causes cancer. Smoking kills. धूम्रपान से कर्क रोग होता है. धूम्रपान जानलेवा है. Consumption of alcohol is injurious to health. मदिरा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. Be safe. Don't drink and drive. सुरक्षित रहें. मदिरा पान करके गाड़ी ना चलाएं. Drug consumption is injurious to health. नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. सिर्फ एक ओवर ही रह गया है. एसएमसी को हरा रनों की जरूरत है. दो विकेट बाकी है उनके पास और क्रीज पर हैं ऑलराउंडर रमेश प्रसाद और गावस्कर बशीर. अभी भी वो काफी देर से टिके हुए हैं. अब देखते हैं कि वो अपनी टीम के लिए क्या योगदान करते हैं. मैं तो हार गई लेखा हार गई. देखो हार गई जूली हार गई. देखो हार गई जूली हार गई. स्टीफन और उसके दोस्तों को शर्म नहीं है क्या? खुद का कॉलेज हार जाए चलेगा लेकिन लेखा और जूली को हराना है. और आखिरी ओवर हार गए जाते हुए उस ओवर को फेंकने के लिए आ रहे हैं बेंगलोर इंजीनियरिंग कॉलेज के बेहद खतरनाक गेंदबाज श्याम सुंदर. फिर भी इस मैदान पर बेंगलोर से आए शैतान के बच्चों के सामने हमारे बच्चे धराशायी हो रहे हैं. ये मैं नहीं देख सकता. धरने से पहले आपकी आखिरी ख्वाहिश है ऐसा जल्दबाजी मत बोलो. अभी एक और बाकी है. मैं तो पियोन हूँ फिर भी मुझे उम्मीद आप तो प्रिंसिपल नहीं है. बिल्कुल नहीं. मेरी सारी उम्मीद चली गई है. सब चली गई. अभी जीतने का कोई मौका है जूली? कोई चांस ही नहीं है. चल हम लोग भागते हैं. कैसे भागेंगे? कहीं भी भागेंगे वो लोग ढूंढ निकालेंगे. इज्जत तो गई. स्टीफन से 10,000 की जूली ने बेट लगाई है. वो छोड़ो जाने दे सकते हैं क्योंकि इसका बाप अमीर पैसे. लेकिन लेखा तुमने चिंबू को टकला करवाने की शर्त थोड़ा ज्यादा टकला करने के लिए तैयार हो जाओ. चिंबू वहाँ उस्तरा लेके खड़ा है. कॉलेज यूनियन चेयरपर्सन का मुंडन करने में भी एक अलग ही सौभाग्य है ना. चार विकेट निकाल कर अपना खौफ जमाने वाले श्याम सुंदर आए हैं गेंदबाजी करने. गेंद निकल गई और बशीर को पता भी नहीं चला. दूसरी गेंद भी हवा मार कर निकल गई है. सामने वाली टीम बहुत मुश्किल हालत में है. चार गेंद में 18 रन चाहिए. कम ऑन जल्दी जल्दी जल्दी. ये क्या? ये क्या बात है? फादर हम जीत गए. बच गया? नहीं वापस आ गया. अभी और कितने बचे हैं? अभी एक ही और बचा है. ओह माय गॉड. लास्ट बैट्समैन है नरेंद्र. ओह यार अभी देखते हैं कि लास्ट बैट्समैन नरेंद्र क्या घोष लाता है अपनी टीम के लिए. और यही उम्मीद है अपनी टीम की. स्टीफन और गैंग के सामने हमें हारना नहीं चाहिए था. अगर तुम हार गई तेरे सर मुंडन करके मैं ग्राउंड में घुमाऊंगा. वो प्रिंसिपल फादर के रिकमेंडेशन से इन लोगों को कॉलेज के सेक्रेटरी और चेयरपर्सन बनाया. तब से कॉलेज बर्बाद हो गया. जूली में भी क्या हाल है? 84 रन बनाकर नॉट आउट खेल रहे ऑलराउंडर रमेश प्रसाद. अभी स्ट्राइक पर पूरी टीम को उनसे बहुत उम्मीद है. देखते हैं कि ये क्या करते हैं. और ये अगली गेंद. बेटा रमेश इस फादर को केवल एक बार जिता दे बेटा. है ना मामू? हाँ सही है. हाँ देखेंगे.
तो काफी ऊपर मारा है। देखना होगा कि ये दूर गई है या नहीं। दो फील्डर नीचे है लेकिन ये और फील्डर के हाथों में नहीं नहीं ये कहीं और है। और ये सिक्स क्या बात है, बहुत ही बड़ा छक्का टीम के लिए, ये काफी गगनचुंबी छक्का था। इसी एक छक्के से रमेश 90 रन पर पहुंच गया है। 225 रन बनाए हैं बेंगलोर को हराने के लिए। एसएमसी को और 12 रन की जरूरत है और सिर्फ दो गेंद में दो ही छक्के चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मारो। यस 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 यस। और ये क्या, रमेश ने कहा कि मर जाए को छक्का। दो सौ बीस रन बन चुके हैं और इन्हें चाहिए एक गेंद में एक छक्का। देखते हैं कि इसे गेंद में छक्का मार पाते हैं या नहीं। देखो भाई, ए रमेश, देखो देखो देखो, ये 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 काफी मुश्किल घड़ी है। ऐसे वक्त पर सबकी नजर है रमेश पर और 96 पर खेल रहे हैं रमेश। एक छक्के में उनकी शतक भी पूरी हो जाएगी। देखते हैं क्या करते हैं वो। और ये छक्का, ये क्या धक्के मार दिए, लंबा छक्का, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसी के साथ रमेश की टीम जीत गई। मर जाता तो अब मैं कभी कॉलेज नहीं आऊंगा। मेरे पे हंस लीजिए, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा साले। तू देख बस, इसको और उस रमेश को रुलाऊंगा मैं, तेरी कसम मैं रुलाऊंगा। उसके बाद ही मैं कॉलेज आऊंगा। अभी मंसूर को देख के एकदम ड्रेविड दिखता है ना। खेलता नहीं तो क्या हुआ, तुम लोगों को खिला तो मैं ही रहूँ ना, इतना मत उछलो। गर्लफ्रेंड्स की लाइन लगने वाली है, क्या कहते हो? क्या साले? आज के मैच के बाद रमेश का नेशनल टीम में सिलेक्शन पक्का है। अरे स्वामी ये शरणम अय्यप्पा, बेटे रमेश, इस फादर की नाक कटने से बचा ली। बस वही नहीं बल्कि इस कॉलेज का नाम भी रोशन किया है तुमने। हाँ, सब खत्म होने वाला है, पता चला तो दो बार भागने की कोशिश की इन्होंने, मैंने ही रोक के रखा है। वो तो सही है लेकिन इतना बड़ा मिरेकल होगा मैंने सोचा नहीं था। सब भगवान की देन है और कुछ नहीं। तुम देखते जाओ, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के समय जब मंत्री जी आएंगे तो उनसे कह के तुम्हें एक स्पेशल अवार्ड दिलवाएंगे। कैश प्राइज होगा? नहीं, उससे भी बड़ा होगा अवार्ड। अभी तो वो पैसे इसको दे देना। कौन से पैसे? स्टीफन से बेट लगाकर जीते हैं, इसलिए ये रमेश के लिए। अरे बेट आपने लगाया, आप लोग रखिए। तुम्हारे ही टैलेंट की वजह से है ये, तुम ले लो, कोई अच्छे काम के लिए काम आएगा। तो फिर एक काम करते हैं, कादर भाई की बहन की शादी के लिए हमने पैसे इकट्ठा किए, उसमें से सिर्फ 100 रुपए दे पाए। लो ये 10,000 रखो। बेटा इनकी क्या जरूरत है? रो क्यों रहे हो? रोने दो, जब खुशी होती है तभी तो हम रोते हैं ना। जो भी हो, कादर भाई का बेस्ट टाइम चल रहा है। रमेश तुम्हें पता है सुबेदा की शादी में यशुदास जी आ रहे हैं। हाँ? ये सच है क्या? हाँ बेटा, दास भाई मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। हाँ? तेरे जैसे ही मन में मुझसे बहुत प्यार करते हैं वो, मेरी बेटी की शादी में आने का वादा किया। तो फिर शादी में हम धूम मचाएंगे। यो यो। अरे रमेश तुमसे बड़ा ये स्कूटर है, ओल्ड इज गोल्ड है ना रमेश। अरे जाने दो मुझे तुम लोग। अरे यार ये घटिया गाड़ी छोड़कर नई गाड़ी क्यों नहीं लेते रमेश? उसके लिए पैसे चाहिए होते। थोड़ी देर पहले पैसे थे तुम्हारे पास। ज्यादा मजाक मत करो, मैं खुद के पैसे की बात कर रहा हूँ। इतनी गरीबी है तो पैसे मिलते ही डोनेट क्यों कर दिए बताओ? वो तो बैठ के पैसे थे, खुद कमाओ खाओ तब पता चलेगा, यही जिंदगी है। अरे एक तो ये चालू भी नहीं हो रहा है। हाँ, तो फिर इधर बैठ जाओ, हम छोड़ देंगे। हाँ अच्छा रहेगा, फिर तुम्हारे पापा आके मेरा गला दबाएंगे। रमेश आज बशीर की तरफ से पार्टी है, कहाँ चलना है? बस इतना बता। अरे नहीं भाई, मुझे पहले ही लेट हो गया है और मुझे बस स्टॉप से किसी को पिक करना है। कौन है?
बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड को ये तो स्टार्ट हो गया। चलता हूँ। टाटा टाटा। रख दो रख दो। आ जाओ जिसको तरना आ जाओ जल्दी करो। आपको देर हो गई ना? हाँ, देर? तुम पहले ही आ गए। मैं भी बस अभी आया हूँ। सारा काम खत्म करने के बाद ऑफिस जाना चाहिए था ना, कितनी बार बोला मैंने। आज अगर ज्वाइन नहीं करती तो उसका मेमो अलग से मिलता मुझे। क्रिकेट मैच में मेरा परफॉर्मेंस देखने के लिए आपको आना चाहिए था माँ। देखा ना मैंने? देखा था। कैसे? ये ऐसे आंख बंद करके स्टेडियम मन में सोचा, तभी मैंने देखा मेरा बच्चा बैट ऐसे खींच के सिक्सर मारता हुआ। अब झूठ मत बोलो माँ। सच्ची? हाँ, फिर मैंने भी आपको देखा था। हा? कैसे? गवस्कर बशीर जब रनआउट हुआ था तो मेरा मन मर गया था, फिर मैंने अपनी आंख बंद करके आपके बारे में सोचा। आप पहले ही रो में बैठी थी, फिर मैंने ऐसा बैट घुमाया कि अरे बाप रे, उसने देखा नहीं हमें। चलो। हाँ, और फिर? और क्या, पूरा स्टेडियम हिला के रख दिया मैंने। मंत्री जी खुद अवार्ड देने वाले हैं, और हाँ बैट लगाकर 10,000 रुपए भी मिले। 10,000? हाँ। फिर तूने 10,000 रुपए का वो क्या किया? मैंने अपनी कादर मामू की बेटी की शादी के फंड में दे दिया। हाँ। बहुत अच्छा किया। वैसे भी उनकी 4 लड़कियां हैं, कुछ भी होता है तो जल्दी से भागकर हमारी मदद करने आती हैं। एक ही परिवार है हमारे पास। क्या करना चाहिए सोच के टेंशन थी। अच्छा हुआ, बहुत बड़ा काम किया तूने। हाँ, कादर मामू की बेटी की शादी में आपका सबसे फेवरेट इंसान आने वाला है, गानन गंधर्व यशुदास। हाँ क्या? तो फिर हम... नमस्ते मेयर साहब। सर आप थोड़े लेट हो गए, थोड़ा जल्दी आते हैं तो गाना गंधर्व का गाना सुन सकते थे आप। वो तो आगे भी सुन सकते हैं। ये तो काफी अच्छी सजावट लग रही है। पार्टी फंड के लिए पैसे मांगू तो रोता है। अभी बहुत पैसे फेंक रहा है। सच कह रहा हूँ सर, ये हमारे कॉलेज के बच्चों का काम है। आप लोग अंदर बैठो, मैं पीने के लिए कुछ लाता हूँ। बस दावत के लिए आए हैं। जो भी हो सब बढ़िया। अपने नरेशम मंत्री के खिलाफ केस फाइल करने वाली वो लड़की है ना। हाँ, माँ के लिए स्पेशल आया है क्यों? शादी वाले घर में रानी बनकर बैठी है, देखो। चलो आओ सब। आपको पता नहीं है आपका बेटा बहुत शरारती है बचपन से ही। क्यों हंस रहे हो यहाँ पर? किसी और के नाम पे बलात्कार का केस डालने की प्लानिंग चल रही है क्या? हमारे मिनिस्टर ने तुम्हें कहाँ छुआ? देखो तुम तमीज से बात करो। हाँ, तमीज सिखाने वाली तू कौन होती है? लेखा, रहने दो। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? ध्यान से सुनो, इन जैसी औरतों को अच्छे फंक्शन में नहीं लाना चाहिए, समझे तुम? विजयन सर आप लफड़ा मत कीजिए, दुनिया भर में जाने जाने वाले एक महान व्यक्ति यहाँ आए हैं, वो भी मेरे बारे में सोच कर तो प्लीज। क्या हुआ कादर भाई? कुछ नहीं, ये है हमारे कॉर्पोरेट मैन और विजयन सर। दास सर जो भी है, मुझे खुले आम बात करना पसंद है। गोरी चमड़ी के दम पर यहाँ के जाने माने लोगों का नाम खराब करने निकली है। और क्या है ना कि मेरी लिखा पढ़ी बहुत कम है तो मेरे मुंह से केवल गाली ही निकलती है। दास सर आपको पता है हमारे मंत्री के खिलाफ झूठा केस दर्ज किया इसने। जो भी बात है, खुलेआम एक स्त्री से ऐसे बात करना क्या सही बात है? पॉलिटिक्स वालों को सबसे पहले सीखना चाहिए कि कैसे किसी से पेश आना। ये मंत्री पद और ये बहुमति लोगों को परेशान करने के लिए नहीं होते, उनकी मदद करने के लिए होता है, वो चीज मत भूलना आप। अरे वो कैसे समझेंगे दास भाई, उसके लिए दिमाग चाहिए होता है। लेकिन हमारे देश चलाने वाले चेयरमैन और मंत्रियों को इन सब चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। ए फादर, नहीं, फादर ने सही ही कहा है। सब चीजों का एक डिग्री नहीं है, तो भी अगर देश चलाना है तो थोड़ा अनुभव की जरूरत है। गरीबों की भूख और मन को जानने की अक्ल होनी चाहिए, इंसानियत चाहिए, वो कईयों के पास नहीं है, वही हमारे देश की गलती है। जो भी हो बढ़िया काम था। नरेशन मिनिस्टर के साथ खेलोगे तो खेल कहीं भी खेला जा सकता है, उसको पता चल गया है ना हरी? अरे छोड़ो, बड़ी मछली के सामने छोटे जाले से खेलने चली थी, उस दिन उसके घर जाके पैर पकड़ के बोला था कि केस वापस ले लो, जो चाहिए वो देंगे, तो बोली कि नादेशन से एक चुनौती। मैंने बोला तुमको पहले, वो नहीं, एक चुनौती है ही नहीं, ऐसे सोचती होगी ना। अच्छा वो बात है। सर आपने क्या सोचा दूसरा वाला? वो तो बंद ही कर दिया मैंने। उस वक्त उसकी हरकतें देखनी चाहिए थी, भड़की हुई देवी लग रही थी,
लेकिन फिर भी ये जो कुछ हुआ है ये सब कुछ कल ही मुझे क्यों नहीं बताया गया? कल उन्होंने कई बार फोन किया था, फिर आपके पीए ने बोला कि आप आउट ऑफ रेंज है इसलिए। उस गधे ने ऐसा बोला? घस भाई घस, कुछ निकलेगा तभी तू मंत्री बनेगा। जी बोलिए। यहाँ खुजाने भी नहीं देता यार। अरे तुम बैठो यार। नहीं सर, सर आपने बहुत ज्यादा फ्रीडम मुझे दिया है, लेकिन मेरी भी कुछ रेस्पेक्ट है ना। है? गलत। सर सुनो, जो मैंने सुना वो सच है? सर आपने क्या सुना वो मैंने नहीं सुना ना। वो कल मैं आउट ऑफ रेंज था, ऐसा तुमने कल वो पार्टी के लोगों को कॉल किया तब बताया था? वो तो रात को 10 बजे उन्होंने कॉल किया था। सर आप तो कल पर्सनल गेस्ट हाउस में थे ना, इसलिए ऐसा बोलना पड़ा। ये तो उसने सच कहा ना। गेस्ट हाउस पहुंचते ही 8 बजे सर आप आउट ऑफ रेंज हो जाते हैं, 9 बजे तक स्विच्ड ऑफ हो जाते हो। हाँ वैसे भी ये वीकनेस सब हमारे पार्टी वालों को नहीं पता ना। पता चले तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम सुनो। हाँ बोलिए। मंत्री बनना मतलब तुम्हारे जैसे एमएलए नहीं हूँ मैं, गांव वालों को, देश वालों को, सामने के पार्टी वालों को, सबको विकास के नाम पे एक एक प्लान बनाकर पैसे खाने में बहुत मेहनत लगती है, तो थोड़ा छोटा मोटा वीकनेस चलता है। और ये सब टेंशन के बीच में थोड़ा रिलैक्सेशन बहुत जरूरी होता है। दूसरे मंत्रियों के हिसाब से कोई ज्यादा खामियां नहीं है हमारे वाले में, सिर्फ और सिर्फ 3 ही वीकनेस है। आईपीएल। ये आईपीएल क्या है? क्रिकेट मैच? इसका नाम मैंने अभी अभी सुना है। मनी पावर और लेडीज, सरल हिंदी में कहूँ तो पताका, पैसा ताकत और कन्या। इतने सारे वीकनेस वाले मंत्रियों के बीच में सिर्फ 3 वीकनेस वाला मैं महापुरुष हुआ ना। पैसे के बिना इस दुनिया में किसी की कोई इज्जत नहीं है, ठीक है? वो तो सही बात है। पुरानों में देवलोक पे राज करने वाले हाई कमांड वालों ने कितनी हरकतें की हैं। पुरानों में था इसलिए लिख के रखा, ये सारी हरकतों के लिए सजा मिले तो उनका हाल क्या होगा? ये सिर्फ एक पसंद की वजह से गलती हो गई उसमें क्या? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आया, IAS और IPS वाले मुझको पकड़ो पकड़ो करके लाइन लगाया है, और मोनिका, और ये उसमें क्यों आवाज कर रही है? मोनिका किसकी है तुम्हें पता है क्या? गलत मोनिका लेवेंस। वही तो। सर आपने हाथ बांध रखा है मेरा, वरना मैं उसका पिलर हिलाकर उसका फाउंडेशन खोद देता मैं। उस सब की जरूरत नहीं भाई साहब, ऐसे उसको अपने पैर पे गिराऊंगा। मिनिस्टर नरेशन ने जो ठान लिया है वो करके ही दिखाएगा। केस का फैसला तो सुनने दो पहले। फैसला कैसा भी हो, हार हो या जीत हो, मैं ज्यादा नहीं सोच रही। इतने में ही ऐसा लग रहा है कि उम्र कैद हो गई हो। उम्र कैद की सजा सहने के बाद मौत की सजा कोई भी कोर्ट नहीं सुना पाएगी। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, फैसला और न्याय पाने के लिए आप कोर्ट कचहरे के चक्कर मत काटिए, हम दोनों साथ में कॉलेज जाएंगे। नहीं बेटा, भीड़ जमा हो जाती है वहां जाने से डर लगता है मुझे, और मैं किसी के ताने नहीं सुन सकती। माँ आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, जब मंत्री जी मुझे अवार्ड दे रहे होंगे तब मैं चाहता हूँ आप सामने वाली सीट पर बैठे। फिर भी कुछ भी नहीं। हाँ लेकिन मैं अपने पुराने घटिया स्कूटर पे अपनी माँ को पीछे कैसे ले जाऊँ ये सोच रहा हूँ। लेखा और जूली तो मुझे देखते ही शुरू हो जाती हैं। मेरे प्यारे रमेश, ये गाड़ी फेंक के कोई अच्छी सी बाइक ले लो बोलती हैं। 999 के डाउन पेमेंट पर बाइक मिलेगा ऐसा एक पेपर भी लेकर दिखाया, यही कहीं रखा होगा, मैं देखता हूँ। ये भगवान, बस माँ एक बार मान जाए। तुम सोचते हो मुझे इच्छा नहीं है, तुझे एक राजकुमार जैसे पालना चाहती हूँ, लेकिन तेरे पापा होते तो अभी। अरे माँ तुम रो क्यों रही हो, मुझे भी पता है कि पापा की उधारी चुकाने का कितना बोझ है, और उसके बीच में केस, एडवोकेट का फीस, सब मुझे पता है। मैं तुरंत बाइक लेने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप सारी उधारी चुका कर शांति से, और मैं तो तब तक कमाने लग जाऊंगा, आप बस देखती जाओ माँ, हम इस भाड़े के घर से निकलकर हमारे पुराने महल जैसे घर को लेकर वहाँ अपनी माँ को महारानी की तरह रखूंगा एकदम, और अपनी माँ को एक अच्छी सी कार में बैठा कर सारी अच्छी जगह घुमाऊंगा, सही कहा ना? लेकिन कल मेरी महारानी जैसी माँ मेरे स्कूटर पे ही आनी चाहिए, आओगी ना? ठीक है, चलना ना, हम साथ में चलेंगे कल। यो यो या।
अरे आज ऐसा क्या हो गया? सारे बड़े लोग मेरे घर पे, कुछ चंदा लेने आयो क्या? और नहीं तो क्या, तुम वैसे हाथ नहीं आओगे? हाँ। ना यहाँ के लैंडफोन पे कॉल किया, तू रॉन्ग नंबर बता रहा था। वो लाइन तो कुछ टाइम पहले कट हो गई, तो फिर एटलीस्ट इस रमेश को एक फोन दिला दो। लेकिन ये सब करने के लिए अब हुआ क्या? रमेश, जुबली सेलिब्रेशन के लिए मूवी स्टार ममोटी को लाएंगे ऐसा कहा था ना? हम क्या करेंगे अब? अब इनको क्या बोलूं मैं, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, हमारे कॉलेज के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा दिन है आज। कृपा करके आज तो शांत बैठो, रिक्वेस्ट है मेरी। अरे इन कमीनों की तो, कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती ना। लेकिन वो कुत्ते नहीं गधे हैं सर। तो मैं इनको और इज्जत नहीं दे सकता। लेखा की बातों में आप फंस गए, मैंने तो पहले ही बोला था कि आप संभल जाओ, लेकिन आप। अरे कहाँ है वो? आज पहली बार डांस करने वाली हूँ, मजा आएगा। अरे जल्दी करो ना, कितना टाइम लगा रहे हो। अरे बैठो इधर, मुख्यमंत्री के आने में थोड़ी देर है, अगर ममूटी आ गया होता तो इनॉग्रेशन करवा सकता था। लेखा कहाँ है? कहाँ है वो? आएगी कि वो भाग गई है? बताओ। हेलो, आ गई वो। तुम्हारे एक की वजह से ये बोझ मैंने सर पे लिया है। अरे कुछ होगा भी या नहीं बोलो? आप बेफिक्र रहिए फादर, ममूटी ही नहीं मोहनलाल भी आएगा। क्या? सच में? सच्ची फादर। ऐसा ना हो कि मुझे इस कॉलेज से भागने की नौबत आ जाए, और भाग के जाकर मैं चर्च में भी नहीं छुप सकता क्योंकि वो भी अब बंद हो चुका है। यीशु कसम मैं फंस जाऊंगा। इतनी टेंशन आप मत लो फादर, आप बेफिक्र होकर अनाउंस करो, सुपर स्टार्स निकल चुके हैं फादर। सच में? तुमने देखा मेरे बच्चों की ताकत? मुझे ममूटी के साथ एक फोटो खिंचवाना है, मैं भी बहुत टाइम एक्टिंग के पीछे था। अरे चलो यार, आज अनाउंस करके ही मानूंगा मैं। अरे वाह, आज केस का फैसला था ना नंदिनी? जी हाँ, सच कहूँ तो तुम बहुत ही हिम्मत वाली हो। मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, एक सुकून भरे प्रेयर के जैसे एक बहुत ही खुशी की बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हमारे कॉलेज के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन को दिया लगाकर इनॉग्रेशन करने के लिए ममूटी ही नहीं मोहनलाल भी आ रहे हैं। अरे ईश्वर, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ममूटी सर, ममूटी सर, सुपरस्टार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा स्वागत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, मैं यहाँ पर गाने के लिए नहीं आया हूँ, वो सब मैं तुम लोगों को छोड़ दूँगा। छोड़ो मुझे, बाप रे बचाओ। महान मुख्यमंत्री जी लो आ गए हैं। बैठ जाओ। हाँ, अब कोई भी एक शब्द भी नहीं बोलेगा। माफ कीजिए, मुख्यमंत्री के बदले में माननीय होम मिनिस्टर जी आ रहे हैं। माननीय फादर, ये भी मास्क ही है क्या? मास्क नहीं है बे, ओरिजिनल मंत्री है ये, है ना बे? जी हाँ, हाँ है बिल्कुल। हमारे माननीय मंत्री श्री नरेशन सर आ गए हैं, और उनके साथ हैं एमएलए श्री हरि और दासप्पन जी, इनका स्टेज पे दिल से स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे पार्टी के सदस्यों, गहरे समंदर के अंदर ठहरी हुई मछलियों की तरह इस एडुकेशन के समंदर में ठहरे हुए स्टूडेंट्स की खुशी देख रहे हो? हमारे सबके प्यारे नादेशन सर को खुलेआम यहाँ पे प्रवचन देने के लिए मैं यहाँ पे बुलाता हूँ, और वो मैं हक से बुलाऊंगा।
मेरे प्यारे दोस्तों, मैं और हमारी पार्टी एसटीसीपी आज बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े सुनामी जैसे हमारे नादेशन सर को पॉलिटिक्स से हटा सकने वाले एक बहुत बड़े केस का फैसला सुनकर आए हैं हम। और भगवान की कृपा से कोर्ट ने नादेशन सर को निर्दोषी ठहरा के छोड़ दिया है। पिछले 20 सालों से हार का सामना नहीं करने वाले और इस देश को चला 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 कर इस हालत में लाए हुए हमारे प्रिय प्यारे, जिन पे हमें बहुत अभिमान है, वो नादेशन सर है। और आगे भी ऐसे 100 से ज्यादा केसेस आने दो और वो जीत के ही रहेंगे, ऐसा चुनौती देते हैं। जय जय एसटीटीपी, जय हो। हमारे माननीय फादर मिस्टर कच्चर थारा और बाकी टीचर्स और हमारे सर और मेरे प्यारे विद्यार्थी दोस्तों, माननीय सीएम को महत्वपूर्ण काम से दिल्ली जाना पड़ गया है, इसीलिए यहाँ के इस अवसर पर भागीदारी के लिए उनके कहने पर मैं आया हूँ। जैसा कि एमएलए हरि ने कहा है कि आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। सत्य का साथ देने वाले महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलने वाला एक छोटा सा राष्ट्रीय नेता हूँ। मुझे कभी आप और भगवान धोखा नहीं दे सकते, वही मेरी खुशी है। देश के लिए दिन रात मेहनत करने वाले मेरे जैसे लोगों पर झूठा इल्जाम लगाकर जगह छीनना ये सब चलता रहता है, जो कि आम बात हो गई है। लेकिन मेरे इज्जत पे कलंक लगने देना ये सब कुछ मैं सहन नहीं कर सकता, और वो भी मेरे ही डिपार्टमेंट के ऊंचे लेवल पे काम करने वाली एक स्त्री। मेरे अपने स्टाफ होने के पोजीशन का दुरुपयोग करते हुए मैंने पकड़कर वार्निंग देने के बाद सुंदर होने की वजह से अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर वो स्त्री मेरे सामने आकर के मुझे ही बहकाने की कोशिश करने लगी, पर मैं डस से मस नहीं हुआ। ये तरीका उस स्त्री ने पहले भी काफी ज्यादा लोगों पर बुरी तरह से आजमाया है। जब उसको पता चला कि मेरे सामने ये तरीका कोई काम नहीं आने वाला है, तो एक स्त्री होने का फायदा उठाकर मेरे जैसे व्यक्ति पर गलत केस करके मुझे दोषी ठहराया। लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है, और वही हुई। हमारे महान जज को मैं निर्दोष हूँ पता लग गया। इतना कुछ हुआ फिर भी मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है। जो गलती किया है उसे कबूल करके अगर वो माफी मांगे तो मैं भी सब भूल जाऊंगा। लेकिन वो अपनी सुंदरता समाज में इज्जत से रहने वालों को चोट पहुंचाने के लिए ना इस्तेमाल करे और एक सती सावित्री बनने का ढोंग छोड़ दे, यही मेरी उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। इसी में हम सब की भलाई है। माँ, माँ, पहले ही बोला था ना कि नहीं जाना। माँ आप रोइए मत, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। कोई बात नहीं, मैं घर जा रही हूँ। तुम अवार्ड लेकर ही घर आना बेटा। नहीं, मुझे उस आदमी के हाथ से अवार्ड नहीं चाहिए, मैं भी चलता हूँ। ऐसे मत बोलो, कॉलेज की तरफ से तुझे मिल रहा है एक बहुमति है, तूने बहुत चाहा था ना, मना मत करो बेटा। जाओ। अरे रोना नहीं है, मेरा बेटा एकदम स्मार्ट बनके सर ऊंचा करके राजकुमार की तरह अवार्ड लेना। हाँ, और घर जल्दी आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। इस कॉलेज की शान और नेशनल क्रिकेट में चांस के उम्मीदवार हमारे रमेश प्रसाद को हमारे इंडियन क्रिकेट की शान सचिन तेंदुलकर के ऑटोग्राफ किया हुआ बैट अवार्ड के रूप में देने के लिए मंत्री जी का स्वागत करता हूँ। अभी दो शब्द बोलने के लिए रमेश से गुजारिश करता हूँ। मुझे कुछ नहीं कहना है फादर। रमेश प्लीज कम, आओ इधर, मैं बुला रहा हूँ ना। क्या बोलना है मुझे कुछ नहीं पता।
लेकिन किसी भी बेटे को मेरे जैसे हालात से कभी ना गुजरना पड़े। और आज इस मंत्री ने जो कुछ भी बोला सब झूठ है। मेरी मां निर्दोष है। ये मिनिस्टर और एमएलए मेरे घर आकर केस वापस लेने को बोले और अगर नहीं लिया तो मारने की धमकी दी। मेरी मां नहीं मानेगी ऐसा पता चला तो पैर पर गिरकर रोने लगे। कुछ भी गलत नहीं किया तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? हमारे इस देश में सारे कानून गरीबों के खिलाफ हैं और किसी की वजह से नहीं, सिर्फ पैसे और पहचान की वजह से इंसान केस जीता है। क्या बकवास कर रहा है हरामजादे? वैश्या माँ के बेटे की सच्चाई। मेरी माँ के खिलाफ क्या बोला? अरे रुको इसे, अरे क्या कर रहा है स्टेज पे? अरे कोई पुलिस को बुलाओ। आ जाओ सब लोग। हम कॉलेज में तो अरे छोड़ो रुको इसे। अरे ये तुम को मारता है। छोड़ो मेरे रिकॉर्ड को मार दूंगा। हां इसको पकड़ो। पुलिस को बुलाओ। यार देखिए कैसे मार रहा है आप लोगों को। रमेश क्या कर रहे हो? रमेश रुको इसे। अरे तो पुलिस को बुलाओ। अरे कोई पुलिस को हम बाद में देखेंगे। पहले मिनिस्टर को बचाओ। अबे कैसे भी करके मिनिस्टर सर को बचाओ। अरे क्या कर रहे हो? अरे कुछ चलो यार भाग गया ये। अरे कैसे को कैसे मेरे को घुमा रहे हैं? सबको पीट रहा है ये तो। किसी को लग जाएगी। अरे कोई रुको। आ जा अरे हट जाओ हट जाओ। मैंने तो पहले बोला था सब हट जाओ। खेल खत्म। पुलिस भी आ गई है। हाँ कहाँ है वो? हमें जल्दी से जल्दी सीखने मारा इसको। ये बताना हमारे साथ है। बोलो इसको जल्दी से जल्दी 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 ये कहां है जगह तुम्हारा गलती का शहर? नहीं पता सालों को मारेंगे हम लोग। हमारे स्टूडेंट्स को हाथ मत लगाओ। को मारते हैं इनमें इतनी हिम्मत आ गई? डालो इनको लॉबी के अंदर। जो स्टूडेंट्स साइलेंस। ये आप क्या कर रहे हो सर? ये विद्यालय है। मंत्रियों को मारना सिखाते हो यहाँ पे विद्यालय में? अरे कहाँ के पुलिस वाले हो तुम? थोड़ी तमीज से बात करो। प्रिंसिपल मुझे तमीज मत सिखा। होम मिनिस्टर को मारने की कोशिश करने वाले इस कुत्ते के पिल्ले को अरेस्ट करने आए हम। कहाँ है वो? कहाँ है? हमको क्या मालूम वो कब का चला गया यहाँ से। तू कौन है बे? चपरासी। साला चपरासी। कमांड कमांड जल्दी आगे चलो। जल्दी करो। एक कभी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। कर रहे हो? हमें वही चाहिए। अब जब सब जा रहे हैं नहीं चलेगी। सब करने में लगा है। जाओ पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी। साले कमीने, मिनिस्टर को मारने के बाद यहाँ पे हीरो बन के चुप बैठा है। स्टीफन प्लीज, दुश्मनी निकालने का समय नहीं है ये। तू जा यहाँ से। पुलिस को बुलाओ। इन दोनों का घमंड अभी तोड़ देते हैं, फिर इन्हें पता चलेगा। हाँ अरे कहाँ है वो? कहाँ? जल्दी से उसे लाओ। भागो, अपनी अपनी जान बचाओ। हाँ तुम इस तरफ बाहर की ओर। बाहर की ओर क्या कर रहे हो यहाँ? क्या देख रहे हो यहाँ से? जल्दी से चलो। हाँ जल्दी करो जल्दी करो। क्या देख रहे हो? अपनी जान बचाओ ना। क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। पकड़ो उसे। भागो भागो। जाने मत दो। जाओ 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 यहाँ से। रमेश 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 बता कहाँ है वो? बता चुप जाओ। रमेश रमेश चलो। ये उसका ही बैठा ना, इससे ही उसने मिनिस्टर को मारा। ये तुम्हारे कमरे से मिला। सच बता दो सही रहेगा। फादर और मदर नहीं देखेंगे हम लोग। उठा के ले जाएंगे और सिखाएंगे। सर उसके साथ वो लड़कियां भी भाग गई। कहाँ? लेडीज हॉस्टल में गई है शायद। स्टीफन ने रोकने की बहुत कोशिश की, उसे भी बुरी तरह मारा। कम ऑन पुलिस वापस जाओ। वापस जाओ। पुलिस 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 पुलि
लड़कियों को पकड़ने नहीं आए हैं। पुलिस को मारो, उसे अरेस्ट करने आए हैं। पुलिस को सामने से, पुलिस को मैं, पुलिस को मैं, पुलिस को मैं, पुलिस वापस मेरी जाओ। पुलिस इस हॉस्टल की मैट्रन है, यहाँ जो भी हो उसकी जानकारी मुझे चाहिए। बिना लेडी पुलिस के आप अंदर नहीं आ सकते। हमारी ड्यूटी के बीच में मत आओ, वो इसके अंदर ही है, उसको लेके ही जाएंगे हम लोग। लड़के यहाँ रहना अलाउड ही नहीं है, तो छुपाएंगे कैसे? और अगर किसी ने छुपाया होगा तो उसके हाथ काट दूंगी मैं। उसके लिए आप लोगों की जरूरत नहीं है। अगर भरोसा नहीं है तो चेक कर लो, लेकिन लेडी पुलिस होनी चाहिए। लेखा, कमरे में जो लड़के हैं उन्हें बाहर आने के लिए बोलो। यस मैडम। सर, जूली, जूली दरवाजा खोलो, मैं हूँ। क्या हुआ, हो गया क्या? हो गया है, तू देख जरा। हाँ ठीक ही लग रहा है, लेकिन पुलिस वालों को रूम सर्च करना है। जो भी है, लेडी पुलिस के बिना अंदर नहीं घुसने देने वाला मेरा आइडिया काम कर गया, उसकी वजह से इतना वक्त मिला है। ओ, मुझे तो लगा हम फंस गए। हाँ और हाँ, लैला और राजी को मैंने सब समझा दिया है, उनके साथ पीछे खड़ा करो इसे। ओ, मुझे टेंशन हो रही है। चालू हो गई इसकी टेंशन। बिंदास लेकर आओ, मैं संभाल लूंगी। हाँ, सिटी पुलिस कमिश्नर ध्यान करता सर, अभी आएंगे, तुम्हारा कानून को तब बताना। मैडम मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे आज छुट्टी चाहिए। पुलिस कमिश्नर, वापस जाओ, वापस जाओ, पुलिस वापस जाओ, पुलिस वापस जाओ, पुलिस वापस जाओ। रॉबर्ट आई सर, क्या हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं? सर, जिन लड़कियों पे शक है उनका नाम क्या है? लेखा और जूली कॉलेज की नेता है सर ये। यही है लेखा सर। सर आप हो कमिश्नर? नो, आई एम सीआई विघ्नेश्वर, सारे विघ्नों को हरने वाला विघ्नेश्वर। भगवान के सामने तुमने कभी नारियल फोड़ा है, जो जानते हो तुम लोग? तो गणपति। ये सीआई विघ्नेश्वर आने के बाद सारे विघ्नों को दूर करने के बाद ही करता है, सब आते हैं। इडियान सर आएंगे तो फिर सबका कर्म और क्रिया, मतलब तुम सबका क्रिया कर्म, दैट इज इडियान करता सर। रेडी सर। मेरा नाम क्या बताया तुमने? इडियान करता। सोचा थोड़ा वजन लगेगा। ऐसा फालतू का नाम रखकर लोगों के सामने मुझे इंट्रोड्यूस कराओगे तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, पता ना। वो वैसे ही होने वाला है सर। मैं अपने कोच से इज्जत बचा लूंगा, तुम क्या करो? इधर की हालत कैसी है? काफी अच्छा है सर, आपको फाइट करने का मैंने माहौल बनाया है सर। पेपर लगी इंटेलिजेंस शो देयर मसल पावर। सबने सुना ना? इसका मतलब मुझे बाद में बता के देना है। ओके कम ऑन सर। बहुत समय पहले मैंने एक बहुत अच्छा कुत्ता पाला था और ट्रेनिंग देने के बाद मुझे ही भौंकने लगा। अब क्या कर सकते थे, मैंने पिस्तौल लेकर उसे डिशुम 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 मार दिया। मेरी ये कहानी उन लोगों के लिए है जो आज के दिन मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। सर आज आप कुछ अलग ही कहानी बताओ के सोचा था मैंने। प्रोसीडर इज दिस, देन इट डिमांड्स लेडी पुलिस फोर्स। दुर्गा सर, 98 किलो वजन और 12 हॉर्स पावर वाली हमारे सिटी की एक मेवा वनिता कांस्टेबल, आप लोगों के हॉस्टल के लिए काफी होगी ना? प्लीज प्लीज बाजू उठो, बाजू उठो। गुड मॉर्निंग कमिश्नर, मैं फादर कचर तारा। कौन सा तारा? चांद तारा नहीं, कचर तारा, माय फैमिली नेम। और ये मोहतरमा यहाँ की मैट्रन है, मेरी पाइस। कितना स्ट्रेंज नाम है सर, मेरी पाइस। पाइस नहीं, पाइस, पाइस इनका हस्बैंड है। जो भी हो मिसेस मेरी पाई, अब पाइस, वो क्या है कि हमको ये हॉस्टल जरा सर्च करना है, तो लेखा और जूली कौन है? हाँ सर, मैं हूँ लेखा। जूली कौन है? सर मैं हूँ जूली। लेखा और जूली मेरे साथ आओ, तुम्हारा कमरा देखना है। ओके सर। विघ्नेश्वर सारे रूम्स में अच्छी तरह से चेक कर लेना, ठीक है? ओके सर। चलो पुलिस फोर्स यहीं रुको, इन लड़कियों को बाहर और अंदर मत जाने देना। मैडम यू कम विद मी। तुम दोनों के चेहरे से लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रही हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा पहली बार हो रहा है ना, इसीलिए सर डर गए थे हम लोग सर। ओहो, मुझे देख कर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं प्यार से बर्ताव करता हूँ खासकर लड़कियों से। हार्ट फुल ऑफ लव। तुम दोनों में से किसका लवर है रमेश? डरो मत, लव हमारे मन की एक प्रेजेंट फीलिंग है, उसमें उम्र की कोई बात नहीं होती। आई लाइक इट। रमेश हमारा लवर नहीं है सर, बेस्ट फ्रेंड, इतना ही है सर। योर बॉयफ्रेंड? हाँ, तो मुझे भी तुम लोग वैसे एक फ्रेंड समझो। मैं अभी भी एक यंग मन वाला स्टूडेंट हूँ, स्टिल आई एम ए बैचलर बॉय, यू नो। वैसे रमेश के परिवार में कौन कौन है? माँ है, नंदनी प्रसाद है ना? जी हाँ सर। उनको जानते हो? जानते हैं सर। अदर रिलेटिव्स? नहीं पता सर। सर इधर से। ओह थैंक यू। इस हॉस्टल के इतिहास में पहली बार पुलिस यहाँ आई है। पुलिस वालों को आना जाना एक हॉस्टल के लिए अच्छा ही है। मिसेज मेरी पाइल। पाइस नहीं पाइस। सभी जगह पे अच्छे से छानबीन करो सर। सिर्फ एक दो नहीं, 5 से 6 लोग आराम से छुप सकते हैं यहाँ, है ना, क्या कहते हो? नो सर, मैरी मैम बहुत स्ट्रिक्ट है। नहीं तो छुपाते थे ना। सर सर ये है कमरा। हाँ क्या हुआ सर?
यहाँ एक मर्द की स्मेल आ रही है। यहाँ जरूर कोई ना कोई मर्द आके गए। सर वो आप भी तो मर्द हो ना। क्या नहीं सर? ऐसा नहीं है, मैं किसी और मर्द की बात कर रहा था। आपका वहम होगा सर। वहम है इसलिए पूछ रहा हूँ ना। नहीं सर, आपके अलावा कभी कोई मर्द नहीं आया। हाँ सर, कजिन्स भी आते हैं ना तो नीचे के गेस्ट रूम के बाहर मेरी मैडम जाने नहीं देती। ये रूम काफी स्पेशल लग रहा है। हॉस्टल के सारे रूम ऐसे ही हैं क्या? नहीं सर, ये तो वो दादाजी के और मैनेजमेंट की पहचान पर स्पेशली मिला है। किसके दादाजी? लेखा लीडर केआर जी की पोती है ना सर। फिर इसके डैड के डोनेशन का भी पावर है सर। ओ तो तुम दोनों यहाँ के VIP हो है ना? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो गोल्डन जुबली डे था तो आज मेकअप के लिए निकाल के रखा था सर। रेजर? वो छोटी मूछ वाले भी है हॉस्टल में, वो लोग डांस के लिए ना मेकअप करते हैं। जूली तुम अच्छे से मेकअप तो करती हो ना? उतने अच्छे से नहीं सर, ऐसे तैसे वो कहीं से थोड़ा बहुत कर ही देती है। आर्ट्स क्लब की सेक्रेटरी जो है ना ये, इसलिए सर। नार्कोटिक सेल में 3 साल से ऊपर रह चुका हूँ मैं, झूठ मत बोलो। मुंबई एयरपोर्ट पर 5 करोड़ के ड्रग्स के साथ आए मोहम्मद अंसारी को सिर्फ सूंघ के ही उसे हिरासत में ले लिया था। तुम जानती हो मेरे होते हुए पुलिस स्निफर डॉग की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा सब कहते हैं मेरे डिपार्टमेंट में। I have my own style of investigation, you know. I'm too intelligent. अभी बताओ, रमेश को कहाँ छुपा के रखा है? हमने बोला ना सर। नहीं बोला ना। रमेश को हम क्यों छुपाएंगे सर? Guess. ये किसने लिखा? ये इसका काम है सर, मन में कुछ भी आया तो कहीं भी कुछ भी लिख दिया। पागल है ये सर, इस पे ध्यान मत दो। Yes, guess. तुम क्यों रमेश को छुपा रही हो? स्टेफी ग्राफ, सानिया मिर्जा, तुम दोनों की फेवरेट है ना? हाँ जी सर। तुम दोनों को क्रिकेट वगैरह पसंद है? हाँ सर। रमेश एक अच्छा क्रिकेट प्लेयर है ना? हाँ सर। तुम लोग उसके फैंस हो, सही कहा ना? नहीं सर। शट अप। फैंस बनकर एक क्रिमिनल को छुपाने की कोशिश मत करो, समझी? जल्दी जाओ नेहरू, जल्दी। क्या हुआ सर? कोबरा। देखो देखो ये सिक्सर जैसा निशान, देखो ये गर्मी से भी काम बेस्ट है। ये एक ही निशान है। क्यों बस नहीं हुआ? नहीं मारने की उसकी ताकत से और 5-6 दिखना चाहिए था। चाहिए था? उतना नहीं दिख रहा है उसमें, तुझे बहुत दुख है साले। नहीं सर, एक दिख रहा है ना तो उसी की खुशी है सर। मैं सोच रहा था इतना मारने पे एक ही निशान कैसे। अरे ओए तुम ज्यादा सोचो बोलो मत, डिस्टर्बेंट मत बनो, जाओ जाओ जाओ, मार खाए ना। मिनिस्टर सर को थोड़ा रिस्क लेने दो, रिस्क। हमें क्या गलत ही बोलेगा? वो यूथ विंग वाले विजय और पंकज देखने आए सर आपको। क्या मार के निशान? नहीं सर, वो आपको। किसी यूथ को मत भेजो समझे। ओ क्या IG वहाँ गया? नहीं सर, TV में न्यूज दिखा रहे हैं, अभी थोड़ा और स्लो मोशन में दिखा रहे हैं। मार खा के आप कैसे उड़ के गिरते हो ना? अबे उस साला टीवी को जाकर के तोड़ दे, मुझे बदनाम करने के लिए कुछ लोग सीना तान के उतरे हुए हैं। भिखारी साले, भिखारी साले, तुम तोड़ मत, ऑफ करो उसे जाके। हाँ जाओ उनको अभी सर दिवाली मनाने दो, दिवाली। कौन है? हेलो, हाँ बे मैं ही हूँ, बोल। अरे तू क्या बोल रहा है बे? अब मंत्री हो तो कालिक पोतने वाले काफी लोग होंगे ना, जलन है सबको, और क्या। तेरे भाई के बारे में तुझे नहीं पता है क्या? एक गांधीवादी होने के नाते मैं ऐसे करूंगा तुझे लगता है? हाँ क्या TV में देखा? अब ऐसे ही वो कैमरा ट्रिक था, कैमरा ट्रिक। हाँ ठीक है ठीक है। ओह ये TV वालों से बहुत परेशान हूँ, लंदन से दिनेश ने कॉल किया था। मुझे पता है वो लंदन में डुप्लीकेट में रहता है ना। गलत हुआ ना? गलत, एक शब्द ठीक से नहीं बोल सकता और प्राइम मिनिस्टर बनने चला है साला। डुप्लीकेशन नहीं डेपुटेशन। मैंने भी वही सोचा था लेकिन स्पेलिंग में गलत हुआ था। क्या हुआ? कॉलेज और हॉस्टल सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। सिटी में भी पुलिस छानबीन कर रही है। पूरे शहर में मिनिस्टर की पार्टी वाले सड़क पर उतर आए हैं। मुंबई में 3 बसों को पत्थर मारा गया है। धारावी में एक पुलिस जीप जला दी गई। TV चैनल वाले मिनिस्टर को मार खाते हुए रिपीट वीडियो दिखा रहे हैं। कराटे आता है इसलिए वो ऐसे जम करके लात मारा सर। अगर मिनिस्टर ने थोड़ा कराटे सीखा होता तो उसका लात नहीं खाते थे। शट अप।
अभी मिनिस्टर कैसे हैं सर? मिनिस्टर तो ठीक है, लेकिन किसी से मिलने को तैयार नहीं है। डॉक्टर्स को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, कोई भी नहीं चाहिए। वो तो ऐसा बोल रहे हैं, वो एमएलए और पीए ही उनकी देख रेख कर रहे हैं। तुमसे मिलने के लिए बैठे हैं, जाके अपना प्रोग्रेस बताओ उनको। सर, कमिश्नर सर, हमारे मिनिस्टर को मारने वाले को नहीं पकड़ा तो हम पकड़ेंगे उसे, समझे? उसकी माँ को हमारे मिनिस्टर ने बदनाम किया, बोल रहा है ना, माँ बेटे की लाश तक नहीं मिलेगी। सर, ये टोपी सर पर क्यों है आपके? वो सर पर इसलिए है क्योंकि तेरे जैसे नेता लोग लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं, तो हम क्या ही कर सकते हैं। चलो जाओ अब यहाँ से। पार्टी टिकट देंगे और एमएलए पद भी मिलेगी या दूंगा बोल के लालच दे रहे हैं ना जाने कब से। ऐसे घसना ही मेरी जिंदगी है शायद। इस बार सोना मैं खुद खुरेद के निकालूंगा। तुम मुझे यहाँ काफी बिजी लग रहे हो। मैं खुजा रहा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है? फंड में भी तुम अंदर तक खुजाते हो, सही कहा ना मैंने? क्या? अरे वो सर फंड में सोना देने की बात कर रहे हैं। दो और साइन सेम होते ना तो सोना पक्का मिलता। मिनिस्टर को गर्मी सेकना और तुझे सोना जीतना। सुना मैंने मिनिस्टर के दो दांत उड़ गए, सही है क्या? उसके लिए अभी काफी वक्त है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अरे मिनिस्टर मिनिस्टर, ओ मारो मारो और जोर से मारो, इस सब के लिए कोई कमी नहीं होती। देखो तुम्हारे सैल्यूट नहीं चाहिए मुझे, उस रास्कल को पकड़ा है नहीं। उसको पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछा दिया सर। छोटा जाल बिछा के कोई मतलब नहीं है। ओए अबे इधर आ, देखो एक बड़ा जाल लेके ऐसे ना जोर से ना फैला ऐसे के फेंकूंगा सर। नहीं समझे ना? अरे वो तुझे चिढ़ा रहा है। भगवान से पूछ रहा हूँ तुम लोगों से कब छुट्टी मिलेगी। मिनिस्टर काफी जॉली है। शट अप। इतना सब कुछ तुम्हारे पास है फिर भी इतने छोटे से लड़के को तुम नहीं पकड़ पाए, आखिर क्यों? वैसे बोल के कोई मतलब नहीं है सर, बड़ी बड़ी मछली आराम से जाल में फंस जाती है, छोटी छोटी पकड़ में नहीं आती, सटक जाती है, सही कहा ना? इन सब में अनुभवी आप लेंगे तो मैं कैसे नहीं करूंगा। क्या बोले सर? ये तो जनरल 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 वो मच्छी पकड़ते थे ना, वो नहीं। ये भी चढ़ा रहे हैं। और नहीं तो क्या? और मैं एक बात बता देता हूँ, 24 घंटे के अंदर उस हरामी को पकड़ के अगर उसका सर नहीं फोड़ा ना। 24 घंटों की बातों से धमकाना सब पुराना हो गया सर, पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं। या आपने यहाँ बुलाया उसमें ही इन्वेस्टिगेशन और आगे जाता था। विद योर परमिशन सर, विघ्नेश्वर कम ऑन सर। चलता हूँ सर। ये है इंडियन करता। काय का इंडियन करता? एक मुजरिम को आज तक पकड़ के लाए भी नहीं है। कैसे पुलिस वाले ये ना, वही टाइप के पुलिस वाले हैं। इनके गिने चुनों के सामने ऐसे नाचेंगे हाथ हिलाकर, घमंड में तो कोई कमी नहीं। क्या वो पुलिस वाला नहीं है? अरे काय का पुलिस है, यूं ही फालतू की बकवास करता रहता है सबके सामने। और नाम है इंडियन करता। घमंड में तो कोई कमी नहीं है, इन सबको सर्विस से टर्मिनेट कर देना चाहिए। मैं कुछ गलत बोला क्या? करेक्ट बोला बे। क्या बात है? हे भगवान, आज धूप में बारिश भी होगी। तो फिर क्या समुद्र के मछुआरों को थोड़ा संभाल के फोन करके बोलूं? अबे तेरी तो। रमेश हमारे कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट है, उतना ही नहीं वो हम सब का बेस्ट फ्रेंड भी है। ही इज नॉट अ क्रिमिनल। बताओ बताओ। अरे आप क्या बोल रहे हो दादाजी, रमेश कहाँ है हमें नहीं पता, पुलिस के आने के बाद कॉलेज से मिसिंग है वो, डर के मारे कहीं तो हाइड हुआ होगा। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बेटी? ये मैटर अगर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ तो वो बाहर आएगा, भरोसा है हमें। उतना ही नहीं पुलिस वालों के हाथ लगा तो वो उसको जान से मार देंगे दादाजी। बेटी तुम बोल रही हो तो ओके ओके, थैंक यू दादाजी। क्या हुआ? नदेश्वर कंसल से बात करके मुझे कॉल करेंगे वापस, ऐसा बोले वो। हाँ वो कपड़ा नहीं डालना चाहिए। ये लड़कियों के कपड़े में कब तक रहना पड़ेगा, मुझे खुजली होने लगी है। अब लड़की के कपड़े पहनोगे तो ये सब तो सहन करना ही पड़ेगा ना। देखो दरवाजा भी नहीं लगाया, जाओ लगाओ जल्दी। अरे बाप रे भाई मेरे, जाओ जाओ। लेखा तुम दोनों के मुंह पे 12 क्यों बजे? ऐसा कुछ नहीं मैडम, हम तो बस ऐसी कोई सीरियस मैटर डिस्कस कर रहे थे। अच्छा मुझे सच बताओ, तुमने उस लड़के को यहाँ तो नहीं छुपा के रखा है ना? हमने मैम, आपको हम पर भरोसा नहीं है? विश्वास की बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। इसका मतलब आपको हम पे शक है? तो फिर आप हमारा पूरा कमरा चेक करो। चेक करना ही होगा ना? नहीं नहीं चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ मेरे होते हुए एक छोटी बिल्ली को तक इस हॉस्टल में छुपा कर रखे ऐसी कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई है। आई एम प्राउड ऑफ इट। वो तो सच है मैम। हाँ तुम लोगों को जो बोलने आई थी वो तो भूली। क्या हुआ मैम? वो रमेश के घर में नादेशा के पार्टी वालों को पत्थर मारा और उसकी माँ को गाली भी दी। उनका बीपी बढ़ गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है। आपको कैसे पता चला मैम? टीवी न्यूज में बताया है। बेचारी की बहुत ही बुरी हालत है। प्रसाद कंस्ट्रक्शंस के नाम पर कितनी बड़ी कंपनी थी, मर्सिडीज गाड़ी, महल जैसा घर, सब कुछ तो था। किसी ने उनको बिजनेस में धोखा दिया, उधारी बढ़ गई, केस हुआ, नीलामी हुई, उन्होंने सुसाइड किया।
वो टीवी न्यूज के बाद मैं बहुत टेंशन में आ गई। आज सो पाऊंगी क्या लगता नहीं। तुम लोग सो जाओ। नींद के लिए दो स्मॉल पैक तो लगाने ही पड़ेंगे, तभी बात बनेगी। मुझे मेरी माँ से मिलना, तुम लोग प्लीज मेरी मदद करो। दादाजी ने कहा है कि मिनिस्टर से बात करके मुझे तुरंत कॉल करेंगे। कुछ ना कुछ फैसला होने के बाद हम जाते हैं ना। सही कहा, अभी बाहर जाना ठीक नहीं। मुझे चाहे पुलिस ही पकड़ ले, लेकिन मुझे मेरी माँ से मिलना है। रमेश, डोंट बी सिली। पुलिस वालों के हाथ तुम लग गए तो क्या होगा पता है ना? क्या हुआ दादाजी? कुछ नहीं हो सकता बेटी, वो अपने ही बंगलों में पड़ा पड़ा इलाज करवा रहा है। वो लड़का उनके हाथ लगा तो एक तो पुलिस वाले मारेंगे या उसे पार्टी वाले मारेंगे, ऐसी हालत है। दादाजी आपके कहने पर नरेशन अंकल नहीं सुनेंगे? नहीं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज के लिए नहीं मान रहे हैं। उसने स्टेज पे जो लड़ाई की थी टीवी वाले, वो रिपीट चला रहे हैं तो क्या करें। वही सब देख के पार्टी वाले भड़के हुए हैं। हाँ, भले ही मैं इस पार्टी में हूँ, लेकिन वो भी तो अपोजिशन का आदमी है ना। 15 साल मुख्यमंत्री होके भी कुछ काम का नहीं है। दादाजी के पास अभी पावर नहीं है ना बेटा। और हाँ बेटी, तुम इन सब में मत फंस जाना, ठीक है? दादाजी क्या बोले? नो स्कोप। कोई बात नहीं, हम खुद सामने से बात करते हैं। दादाजी से? नो, मिनिस्टर से। हम अकेले उनके पास जाएंगे? अरे वो क्या हमें खा जाएंगे, हम एक बार ट्राई तो कर सकते हैं ना। जो भी हो, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद ही बाहर निकलोगे, वरना तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। वो भी छोड़ो, हम और कितनी देर तक रमेश को यहाँ छुपा सकते हैं? ये तू क्या बोल रही है, इस वक्त मिनिस्टर से मिलना मतलब? सुनो, अरे यार तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। नरेशिंग अंकल को मैं बचपन से जानती हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ट्राई करते हैं। तो अभी वो है कहाँ पता? वो तो मिनिस्टर हाउस में अपना इलाज करवा रहे होंगे, इतने जोर से जो मारा था इसने। सुनो, हम जाके पूरी कोशिश करते हैं, आज ही की रात ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। बाहर से ताला लगाकर चाबी दरवाजे के ऊपर रख, हमारे वापस आने तक अंदर से एक आवाज भी मत करना। जूली, तुम जल्दी रेडी हो जाओ। डरने की कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए सोचो मत, आराम करो। उन्होंने बोला ना, मन को दुखी मत होने दो, कुछ भी हो जाए तो हमें सहना ही पड़ेगा, भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। रसिया, तुम खाना दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए कादर भाई। नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा, बीमारी ठीक होनी चाहिए ना। मुझे बस एक बार अपने बेटे से मिलना है। सुना है पुलिस वाले कॉलेज से कुछ बच्चों को पकड़ के ले गए हैं। रमेश को भी उन्होंने पकड़ा होगा क्या कादर भाई? वो अगर उनके हाथ लग गए तो फिर वो भी तो और बीमार हो जाओगे। हम ढूंढ लेंगे, मैं जाकर प्रिंसिपल से मिल के आता हूँ। हेलो। अच्छा लेखा बेटी, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? नरेशन अंकल से मिलने आए थे, अर्जेंट है थोड़ा सा। वो सर तो यहाँ पे नहीं है। कहाँ गए? बहुत अर्जेंट बात है, दादाजी ने भेजा है। लेखा बेटी, तुम इसलिए बता रहा हूँ, कावलम रोड में नादेशन सर का एक पर्सनल गेस्ट हाउस है। हाँ, वो पेट्रोल पंप के अपोजिट वाला। भाई, मैंने बताया ऐसा मत बोलना। नहीं 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 नहीं, चल भाई। अभी उनसे मिलने जाना चाहिए क्या? हम उनकी खूबसूरती देखने नहीं जा रहे हैं, रमेश को कैसे भी करके बचाना होगा। तू बैठ। अंदर कोई तो जरूर है, देख उनकी कार भी वहीं खड़ी है। अरे जब यहाँ कोई है नहीं तो चुपके से किसको देख रही हो? मिनिस्टर से मिलने आए हैं हम। मिनिस्टर यहाँ नहीं है। वो तो मिनिस्टर ने बुलाया था ना, इसलिए। बुलाया है? तो पहले बोलना चाहिए था ना, मैं तो यहाँ पर काम करता हूँ। इसको पकड़ो जरा, यहाँ कितना टाइम हुआ? नहीं अभी बस जस्ट आए। अंदर आ जाओ बेटा, कैटर्स के पास गया था चिकन और चपाती लेने। यहाँ आए तो सर जी का फूड ही है ये।
ड्राइवर घर चला गया तो मैं खुद गया लेने। यहाँ कोई कुक नहीं है। कुक था एक आर्गुमन नाम का, वो झगड़ा करके गया। वैसे नाम क्या है तुम लोगों का? स्टेफी ग्रैंट। क्या? स्टेफी ग्रैंट। इसका नाम? वो सानिया मिर्जा। कैसे बुला लेते हो ये सब नाम? सीता पार्वती जैसा नाम रखना चाहिए था ना। नाम हमने थोड़ी रखा। आप कहे तो ये चिकन चपाती हम जाकर देते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, मेरा काम तुम क्यों करोगी? वो हमको मिनिस्टर से अकेले में कुछ बातें करनी थी। समझ गया। जाके देखो खुद, सर के मुँह से मुझे गाली मत सुनवाना। वो तो हम संभाल लेंगे। सर जैसे ही यहाँ पर आते हैं उनके मन में ऐसा ही एक पीछे से लड्डू फूटता रहता है। अंदर जाना तो डरना मत। हाँ? नदेशन सर की किस्मत की लकीर मेरे मुंह पे बनती तो मैं कब का यहाँ से बच के निकल गया होता। इन सब की रखवाली करना ही हमारी औकात बची है, अब क्या कर सकते हैं। अरे क्या हुआ? अरे सर ने ज्यादा जल्दी कर दी क्या? ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। हेलो। हाँ बोलो, क्या हुआ? हे भगवान, ये कैसे हो गया? अरे बाप रे, रोक क्यों दी? पेट्रोल खत्म हुआ है। पेट्रोल खत्म हो गया तो अब हम धक्का मारना पड़ेगा। तक धक्का मारेंगे आगे पेट्रोल पंप दिखने तक। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। सुन, देख तू डर के मारे ऐसे ही कुछ सोच मत। सुन, हम वहाँ गए ही नहीं और कुछ हुआ भी नहीं है। लेकिन लेखा, चुप, तू चुपचाप धक्का मार। जूली थोड़ा तेज धक्का मार। अरमुखा, ए अरुमुखा, ये दोनों कहाँ चले गए? और हे खरामी, दूसरी दुनिया में रहता है, पता नहीं कहाँ गया वो साला। अब मैं अकेला यहाँ पे क्या ही करूँ। हाँ, कितना भरना भर दीजिए। हाँ आ गया तू, कहाँ मर गया था इतनी देर? एक मिनट का बोल के गया था और अब तेरा काम मैं करूँगा तो तू यहाँ पे क्यों है? सॉरी मैनेजर जी, एक चाय पीने गया था। चाय पीने गया था कि कसरत करने? इतने पसीने से तरबतर क्यों रहे? वो गरम चाय पिया ना इसलिए। हाँ, किचन में काम करने वाले को मैंने भी पेट्रोल पंप पे रख लिया, मेरी फूटी किस्मत। वो देखो रमेश। रमेश कहाँ? वो बाहर। जल्दी चलो, वो बाहर उस तरफ कहाँ है दिख नहीं रहा। दिखने में भले ही छोटू सा है लेकिन कर्राटे सारे जानता है। जल्दी जाकर ढूंढो उन्हें। हाँ। रमेश, रमेश, जल्दी बैठो। चलो चलो, जल्दी चलो। रमेश जल्दी उतरो, जैसे आए थे वैसे ही वापस जाओ। क्या हुआ रमेश? वो मैं यहाँ कैसे रुकूं? इतनी रात को कहाँ जाओगे? पुलिस के हाथ लग गए तो? अभी के लिए तुम बस ऊपर जाओ, बाकी हम देख लेंगे क्या करना है। सोचो मत, किसी की नजर में मत आना। एक
अभी यहाँ बोल के तुम लोग कहाँ गई थी? मैडम को पता चला तो मेरी कहानी ही खत्म कर देगी। हाँ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, घड़ी में लगा था, चलो जल्दी आओ। तुम सच बोल रही हो? हाँ सच, हम पहुंचे तो खून में लथपथ मरे हुए पड़े थे। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा हुआ उस कमीने ने मेरी माँ को दुख दिया था, उसकी सजा मिली है उसे, ऐसा ही होना चाहिए था। मैं जरा नहा लेती हूँ, ऐसे बहुत दुख रहा है, टेंशन के मारे जान जा रही है। रमेश तुम उस समय यहाँ से क्यों निकले? हमने बोला था ना तुम्हें कि कहीं नहीं जाना है। वो कमरे में अकेले था तो डर लग रहा था, माँ के बारे में सोचा तो दिल दुखने लगा। बस जितनी जल्दी हो सके मुझे जाके अपनी माँ से मिलना है, मन बना लिया है और चाबी भी ले ली है। फिर मैं वहाँ पर कैसे पहुँचा मुझे भी नहीं याद है। हॉस्पिटल तो दूसरी तरफ है, फिर तुम इस रास्ते पे कैसे पहुँचे? वो हॉस्पिटल के सामने पहुंचा तो सब जगह पुलिस थी, बहुत मुश्किल से बच के भागा, पर कहां जाना मुझे कुछ पता नहीं था, जो रास्ता दिखा वहां भागा। क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गया। चूली 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 चूली, क्या हुआ? दरवाजा खोल, मैं साबुन लगा के बैठी हूँ। अरे नीचे पुलिस वाले आए हैं। तो मैं मैडम को बताता हूँ सर। कौन है? मैं हूँ कमिश्नर। मुझे पहचानती हो ना? फिर से मिलने की एक इच्छा हो गई तो आ गए। करता सर, इडिया करता सर। क्या बोली? माफ करना सर, प्रिंसिपल अब तक आए नहीं है यहाँ, फादर के आने तक रुकी है सर। फादर से नहीं, इनसे मिलने आया हूँ मैं। लेडीज हॉस्टल में दारू की बदबू। मैं फादर को एक बार कॉल करके आती हूँ सर। इतने बोल्ड और हमारे कॉलेज यूनियन के चेयरपर्सन, इतना परेशान होने और पसीने छूटने की क्या वजह बताइए? रमेश के बारे में मैंने सब कुछ तो बताया ना आपको। रमेश के बारे में जानने नहीं आए, मिनिस्टर नरेशन के मौत के बारे में जानने। हे भगवान, नरेशन अंकल गुजर गए? मरे नहीं, मारे गए। किसने मारा उनको? मैंने नहीं देखा उन्हें, किसने मारा उसने कुछ बताया भी नहीं। तुम लोगों को कुछ बताया? हमको कुछ नहीं पता सर। नहीं पता? नहीं। दुर्गा सर, हमें इनको जानती हो? वो नहीं, इनको जानती हो? नहीं सर। तुमने जो दो जन बोले थे उसमें क्या है, लड़की है? हाँ, यही तो है सोफिया ग्रेफी। हमीद, इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। अभी सानिया मिर्जा कहाँ है बता भी दो। कहाँ है बताओ मुझे? नहा रही है सर। नहा रही है या नहाने की एक्टिंग कर रही है बताओ? स्कूटी पे सवार होकर वहाँ पहुंचे, के बाद फिर कुछ ही पलों में तुमने जो करना था वो भी किया, भाग के वापस आ गए। नहीं सर, हम वहाँ पहुंचे तो मिनिस्टर ऑलरेडी खून में लथपथ मरे हुए थे। तो वहाँ गए तो थे ना। दुर्गा सर, सानिया मिर्जा को बाथरूम खोलने बोलो। लड़की दरवाजा खोल, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। कोई जल्दी नहीं है, इन्हें प्यार से बोलो खोलने के लिए। दरवाजा खोलने को बोला है, खोलो। लिखा कौन है वहाँ? कमिश्नर सर है, तुम दरवाजा खोलो। लेकिन मैं नहा रही हूँ। ज्यादा नहाओगी तो बुखार आ जाएगा, दरवाजा खोलो जल्दी। सर ने बोला सुना ना, दरवाजा खोलो। दरवाजा बंद करो सर। भले नहा रही हो या नहीं, लेकिन ये डिपार्टमेंट के साथ गलत किया उसने, बहुत गलत। क्या कानून बताओ, उसे कुछ नहीं पता चल रहा मुझे। यहाँ खड़े हंस क्यों रही हो?
डिपार्टमेंट की इज्जत के बारे में सोचो जरा। सर वो मैं अनजाने में, मेरी लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है। उस लड़की को कपड़े पहनकर जल्दी से बाहर आने के लिए बोलो, चलो जाओ। यस सर। लेखा इधर आओ। सुनो जल्दी से ड्रेस पहनकर बाहर आओ, मैं यही वेट कर रही हूँ। तुम लोग उस समय मिनिस्टर से मिलने क्यों गए थे? अगर रमेश पुलिस के हाथों लग गया तो बॉडी तक नहीं मिलेगी, ऐसा स्टीफन ने बोला, इसीलिए हम डर गए थे। स्टीफन मतलब वो रेबल ग्रुप का लीडर है ना? हाँ सर, हाँ सर, उसी ने एक बार ऐसा बोला था ना कि हमने रमेश को छुपाया, रमेश पुलिस ने पकड़ा गया। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। रमेश, रमेश डरो मत, वो लोग चले गए। सुनो यहाँ देखो, मैं अपनी जिंदगी को दांव पे रखकर तुम्हें हमेशा बचाऊंगी, सच में। उस वक्त क्या टाइम होगा कुछ याद है? 8:30-9 के करीब से। ऐसे बोलोगे तो कैसे पता चलेगा बताओ? 8:30 या 9, जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलना, ठीक है? एक गलत जवाब तुम्हें फांसी पे चढ़ा सकता है। मुझे ठीक से याद नहीं है सर। क्या जो भी बात इतनी जल्दी भूल गई? तुम कुछ घंटे पहले की बात इतनी जल्दी भूल गई, ऐसा बोलोगी तो मानूंगा मैं। सर लेगा पीछे जाओ। हाँ ठीक, मैं बुलाता हूँ। आओ जूली, अरे साथ चल। नहाते वक्त दरवाजा खोलने के लिए बोला तो तुमने कुछ और ही खोल दिया, वो भी मेरे जैसे बैचलर के सामने। सॉरी सर, जल्दी जल्दी में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्यों और किस लिए डर गई थी? वो मैं बताओ। डर गई सर। डरो मत, जो भी हुआ सच सच बताना, झूठ मत बोलना, ठीक है? जी सर। डरो मत, ऐसे क्वेश्चनिंग करना हमारा तरीका है। दोनों के जवाब में कुछ फेर बदल है या नहीं वो देखेंगे। जो भी बोला वो सच है ना? हाँ सर। झूठ तो नहीं बोल रही जी? एक्सक्यूज मी सर, प्रिंसिपल सर चर्च में गए थे, अभी तक वापस नहीं आए हैं, बहुत देर हो गई है। अगर आपको और कुछ पूछना होगा तो आप कल पूछ लीजिएगा सर। उसका फैसला मैं अपने आप कर लूंगा। इनको कस्टडी में लेने आया हूँ मैं। वो सर फादर प्रिंसिपल आने के बाद मैं इन्हें कहीं भी ले आऊंगा। बहुत रात हो गई है सर, हॉस्टल की इज्जत का सवाल है। हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे सर। ओके, कल मैं जहाँ बोलूंगा वहाँ इनको लेके आ जाना। जर्मन शेफर्ड कुत्ते की हालत जानती हो ना? दुर्गा कम ऑन सर, आपकी पुलिस कर क्या रही है? हमको अंदर जाने दो, मंत्री जी के कातिल को सजा दो। पुलिस अब तक क्या कर रही है? पुलिस अपना काम क्यों नहीं कर रही है? सजा दो, सजा दो। अभी इस एंगल से लो। अभी टॉप चलो। कोई सबूत मिला? अभी हो जाएगा सर, सुबह सुबह पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएंगे, इसलिए रिश्तेदार और मिनिस्टर फोन पे फोन कर रहे हैं। गेट के बाहर पार्टी वाले और जनता का मेला लगा हुआ है, जल्दी से इसको खत्म करो। वो कैसे सर? डेलाइट के अलावा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए ना? तुम्हारा एक रूल, वो कोई मामूली आदमी नहीं है, होम मिनिस्टर है। अगर पब्लिक भड़की तो उसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। DGP अभी तक दिल्ली से नहीं आए। एम्बुलेंस आई है कि सर? तो बॉडी लेकर जाने बोलो। हे गॉड, हे ईशु, सब लोगों का बुरा समय चल रहा है इस समय। मैं तो फादर हूँ, अपनी हालत क्या बोलूँ। मेरा तो सिर घूमने लगा है। क्या तुमने टेंशन के मारे सुबह सुबह दो पेग लगा लिया है क्या? पुलिस वालों को शक करने के लिए ये काफी है। चलो घर के सामने पड़ी पुलिस ही है, हमारे लोगों को खड़ा ही नहीं रहने दे रही। सर क्या हम अंदर जाके बॉडी को देख सकते हैं क्या? नहीं, अभी किसी को अंदर नहीं जाने दे सकते, अभी बॉडी सीधा पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। सर फोन मत लाके दो, बोला था ना मैंने, नादेशन सर का भाई है लंदन। हाँ क्या? तो पहले बताना था ना। दिनेश कब तक आओगे? नहीं ऐसे अभी तक बॉडी होल्ड नहीं कर सकते, पोस्टमार्टम के बाद टाउन हॉल में रखेंगे दर्शन के लिए, शाम के बाद शमशान में क्रिया कर्म। हाँ सबको खबर पहुंचाया है, ये पॉलिटिक्स है ना, इसलिए बहुत ज्यादा दुश्मन होंगे। और कॉलेज में जो हुआ वो आपको सब पता चला ना? कोई बात नहीं, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है ठीक है, वहां पे कुछ बॉम्ब और टेररिस्ट की वजह से वो आ नहीं पाएगा। विघ्नेश्वर वो क्या कुत्ते जैसे नीचे लेट के सूंघ रहा है? बताओ, पुलिस का कुत्तों का काम ले लिया है उन्होंने, क्या बोलूं, अब सीनियर है ना। ये ऑयल वाली मिट्टी इकट्ठा करो। अबे कमिश्नर तुम यहाँ लेट के क्या कर रहे हो? रकेल के साथ पेट्रोल मिलाकर बहुत चला हुआ ऑटो कल रात यहाँ आया था, बस उसे पकड़ो।
तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या कातिल पकड़ा जाएगा? ऑटो में आया था कौन है वो देखो। वो भी ढूंढ निकालूंगा मैं। सर नादेशन सर का जो कुक था अरुमुगन उसके, वो कल रात से अभी तक घर नहीं आया है सर। नादेशन सर का कोई ऐसा दुश्मन था क्या? उनका कोई दुश्मन नहीं था, सब उनके दोस्त ही थे। और उनका एक दूर का एक दुश्मन है जो नादेशन सर को पॉलिटिक्स में लेके आया। कौन है वो? लीडर के आर। नमस्ते सर। हाँ, क्या मेरी जी, हॉस्टल का डिसिप्लिन सब पानी में मिला दिया। ओह, प्रिंसिपल फादर भी तो थे, ये सब क्या हो रहा है? अरे सर, आपकी पोती है इसलिए थोड़ा ज्यादा फ्रीडम दे दिया उसे, गलती उसी की है। दोनों ऐसा कुछ करेंगे सपने में भी नहीं सोचा था हमने। बेकार की रिस्क मत लेना, मैंने तुम्हें बोला था ना, रात को ये गेस्ट हाउस में नादेशन को मिलने कौन आता था? हाँ, बंदा मर गया है लेकिन उसकी हरकतें अभी भी वैसी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ऐसी जगह पर बच्चियों को बुलाना जरूरी है क्या? शक के नाम पर हर किसी को बुलाना पुलिस वाले की एक ड्यूटी है सर। शायद ये केस में मुजरिम हो सकते हैं, नहीं तो कोई बड़ा विटनेस हो सकता है इनके। जो भी हो, क्वेश्चन करना तो जरूरी है ना सर। माता पिता बचपन में ही गुजर गए, जूली के माँ बाप यहाँ नहीं है, उनको ज्यादा तकलीफ मत देना। मैं अभी इनको कस्टडी में लेकर जा रहा हूँ, कुछ सवाल पूछ के छोड़ दूंगा। चलिए चलो। नरेशन सर को पॉलिटिक्स में आप लेकर आए, उनके बारे में कुछ बोलेंगे? मेरी छोटी उंगली पकड़कर ही वो राष्ट्रीय में प्रवेश किया, बाद में मुझे छोड़ गया। फिर भी पॉलिटिक्स में इतने अच्छे स्वभाव वाले लोग काफी कम है, मेरे लिए ये एक बेटा खोने जैसा है। मुझे कुछ नहीं जानना है, मैं अपने बेटे को यहाँ छोड़कर गई थी, वो कहाँ गया? उसके बिना मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। माँ जी का सेंटीमेंट से भरा एक्टिंग अच्छा है। इडियन करता पापा चंद कॉन्ट्रैक्टर का लड़का है ना तू? नहीं, पापा चंद कॉन्ट्रैक्टर स्टीफन का बाप है। शक है क्या कोई? देखो उसको शक है। अबे चुप रहो। बेटा तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? बाइक से गिरा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जो निर्दोष है वो बच जाएगा, बाकियों को माफ नहीं किया जाएगा। जो मरा है वो होम मिनिस्टर, याद रखो। ये मदर और फादर मिलके रमेश को कहां छुपा के रखा, बताओ जरा। सर बकवास मत करो, देखो उस दिन उसके माँ के इज्जत की बात थी, इसलिए उसका संतुलन खो बैठा होगा। उसके लिए ये जो मर्डर हुआ है, ये मर्डर उसके सर पर मत डालो, वो ऐसा नहीं कर सकता। मेरे बेटे को कस्टडी में लेकर तुम लोगों ने क्या किया उसके साथ, बोलो। अच्छा अच्छा, होम मिनिस्टर के खिलाफ कहानी बनाने वाली, अब पुलिस के खिलाफ क्या कहानी बना रही है, बताओ तो। वो कहाँ है बताओ मुझे। पकड़ के लेके गए और उसे मार मार के मार दिया, और अभी नया कहानी लेके आए हमारे कमिश्नर सर। ऐसे सब खेल पहले भी खेल चुके हैं हमारे ये पुलिस वाले। वो गरीब राजन का केस जैसे ही हल होगा, शायद उस रमेश को भी। तेरी हालत उससे भी ज्यादा बुरी होगी। डोंट शट योर ब्लडी माउथ एंड गेट लॉस्ट। बेटा नहीं, रोना बंद करो। तुम लोग देखो, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं मर जाऊंगी। नंदिनी कुछ गलत मत करना। आंटी, ओह, मैरी मैडम के सामने से निकले तब मेरी सांस ही रुक गई थी। जस्ट एस्केप, भगवान ने बचा लिया। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ के लिए कर रही हूँ, तुझे नहीं मिली ना तो मर जाएगी ऐसा बोल रही थी, इसलिए ये रिस्क ले रही हूँ मैं। कुछ भी हो जाए, माँ के साथ गलत नहीं होना चाहिए। तुम टेंशन लेना बंद करो, कुछ भी नहीं होगा। सुनो, मैं यहाँ वेट करती हूँ, मुझे किसी ने देखा और पहचाना तो प्रॉब्लम होगी। तुम माँ से मिलकर जल्दी आना। हेलो डरो मत, मैं सीआई विघ्नेश्वर। यहाँ पर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस वालों को यहाँ पे लगाया है, एक बार चेक करने आया हूँ। आप कौन हो? तू वही है ना? पकड़ो इसे। अरे पकड़ो, भागने ना पाए वो। कम भाग रहा है, रुक। तेरी तो मैं पकड़ो। अरे भागने में तो क्या कर रहे हो? रुक जा।
रुको, मुझे परेशान मत करो, रुको, जाने मत दो, पलटो सर, अरे क्या करे सब लोग, अरे जल्दी करो, सुनो रुक जाओ, अरे भागो, अरे क्या करे, मिल गया, जल्दी, तेरी, पिक आ गया हाथ में, पलटो सर, जाने मत दो, तुम खड़े खड़े यहाँ देख कर रहे हो, जाके पकड़ो उसे। अभी चलो ना पकड़। अबे क्या बोला? हेलो, हाँ न्यूज चैनल, हाँ वो अपना होम मिनिस्टर का मर्डरर है ना रमेश, हाँ हाँ वही, हाँ उसे सीआई विघ्नेश ने पकड़ लिया है, हाँ हाँ उनका फोटो अभी ऑफिस भिजवाता हूँ मैं, अच्छे से छापना। हेलो मातृभूमि, अबे भाग के कहाँ जा रहे, पकड़ो इसे, पकड़ो, स्टूडियो वाले फोटोग्राफर आ रहे हैं जल्दी से यहाँ पे। अरे सर वो कराटे ब्लैक बेल्ट है। देखिए सर, पुलिस को मारता है इसको तो अभी बताता हूँ सर मैं, ज्यादा मार रहा है ये, ले मार इसे। पकड़ा उसे? नहीं सर, वो क्या है ना, बेहोश पड़े, आपको हॉस्पिटल में पहुंचाना था तो इसलिए उसको पकड़ नहीं पाए। वो तुमने ही मुजरिम को पकड़ा है, तुमने सारे पेपर में ऐसा क्यों बताया, बताओ? वो वैसा नहीं है सर, करता सर आपके लीडरशिप में मैंने मुजरिम को विघ्नेश ने पकड़ा। तुमको मैं सस्पेंड? अरे सर स्ट्रेन आया क्या? साथी के बीचों बीच लकड़ लगा मुझे सर, इसलिए तो आपका सीधा यहाँ लेके आया ना सर। शी, उसे फिर भी नहीं पकड़ पाए, पूरा सिटी में उसका छानबीन कर रहे हैं हम सर, वो हमारे सोचने जैसा नहीं है, वो एक बड़ा चोर है सर। कितना बड़ा है? वो पता नहीं सर, वो एक चार्ल्स ओब्राज है सर। वो अगर चार्ल्स ओब्राज है तो मैं भी वीरप्पन हूँ, समझे? वो मुझे पता है सर। अरे मिनिस्टर के पर्सनल नंबर पे जो कॉल आया था उसका नंबर ट्रेस किया तुमने? यस सर, 7 बजे कॉल किया लीडर केआर ने, 7:15 पे हॉस्पिटल से फोन आया, 7:30 बजे जो कॉल आया वो कॉन्ट्रेक्टर पापाचंद था, और 7:40 और 7:45 को मिनिस्टर की हमेशा की 2 बजे की पार्टी थी। वो कौन है? मिनिस्टर की 2 वीकनेस है, वो लोग वहाँ आने का चांस ही नहीं है क्योंकि वो कहीं और एंगेज थे, समवेयर एल्स विद सम अदर पर्सन। सर आपको बताना है मेरे लिए। ओ, इतनी धूप है, पंप से निकलने में 10 मिनट लेट हो गया सेठ। अरे ऑटो, अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो? मुझे कुछ मत करना सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। फिर तू क्यों भागा बता? डर के मारे, मिनिस्टर को मैंने मारा है करके पुलिस ढूंढ रही है ऐसा सुना है मैंने। सच में सर, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो मारने आए थे मैंने उनको देखा है। आओ यहाँ, एक नया सबूत मिला है सर, जिसने मिनिस्टर को मारा इसने उसे देखा है सर। क्या नाम है तेरा? अरमुगन। ओ मिनिस्टर का कुक तू ही तो था, तू यहाँ क्या कर रहा है? जिस पंप में काम करता हूँ वहाँ के सेठ भी बुखार के कारण यहाँ एडमिट है, रूम बदल गया मेरे से। नादेशन मिनिस्टर को मारने आया, उनको तूने देखा या नहीं? इस पे भरोसा मत करना सर, इसकी बातों से लग रहा है ये भी खून में शामिल है सर। नहीं सर, मिनिस्टर के मरने के 2 दिन पहले मेरे कान के नीचे मार के मुझे काम पे से निकाला था सर। बहन की शादी के लिए कुछ पैसे मैंने उधार मांगे थे, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है सर।
मिनिस्टर जिस दिन मरे उस दिन वहाँ एक कार को जाते देखा। मुंह पे देख के दो सवाल करने के लिए मैं वहाँ गया था सर। पुलिस जीप? तभी मैंने वहाँ देखा टपरी के बाहर एक पुलिस की जीप थी। पुलिस जीप? जी सर। तूने देखा? देखा सर। ऐसे झूठ बोला तो मार मार के भरता बना दूंगा। देखा तूने? देखा। तुम जरा शांत रहो, उसे बोलने दो। इसको सुन के ऐसा लग रहा है कि पुलिस वाले ने किया है सर। क्यों, पुलिस वाले क्या महापुरुष हैं? करम है, पुलिस वालों ने बहुत मारा ना। रमेश, तुमसे कुछ शेयर करूं? मर्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए ऐसी सोच थी मेरी, पर तुमको इतने अच्छे से जानने के बाद आई थिंक यू आर अ जेंटलमैन। लीडर केआर के पोती को पहली बार आई है ऐसी कोई फीलिंग। लग रहा है दिल और दिमाग का बैलेंस बिगड़ रहा है, इसीलिए मैंने सोच समझकर कुछ डिसाइड किया। तेरा यहाँ ऐसे रुकना सही नहीं। मैंने बोला ना, सिर्फ माँ की वजह से, वरना मैं ये शहर कब का छोड़ देता। अरे डर गए? मैं तो मस्ती कर रही थी। रमेश कहीं जाना नहीं है। सच कहूँ तो तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जाता आजकल। ऐसा लगता है कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो। Yes. कौन सा सीबीआई? कहाँ का सीबीआई? सीबीआई और रेम्बो ये सब पिक्चरों में ही अच्छा लगता है, समझे? कमिश्नर करता जैसे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स पुलिस फोर्स में बहुत कम हैं, क्या समझे? इस केस में कोई फॉरेन ताकत इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। सर, होम मिनिस्टर यहाँ आए हैं। यहाँ क्यों आए हैं? उन्होंने कुर्सी संभालने से पहले नादेशन के मर्डर को पकड़ने का वादा किया था। अरे ओए, सब बढ़िया चल रहा है ना? सर आप बिना नोटिस के यहाँ आ गए आप। मैं वैसे एक मिनिस्टर हूँ, सुनामी जैसे आएंगे और जाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट में हमेशा स्मार्टिफिकेशन होना चाहिए, इसलिए स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी बोल रहे हैं? यस यस, वही बोलने आया था मैं। सर अंदर बैठेंगे? अरे व्हाई नॉट, मुझे अपने से छोटा या बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी बैठ जाएंगे। तू बैठेगा? चलो। आपने बताया होता तो मैं वहीं आ जाता। ओके, बाय द वे, केस इन्वेस्टिगेशन के बीच तुम मार खा के रिहैब वगैरह गए थे, सुना है मैंने? मैं तो उस वक्त हॉस्पिटल में था। यस, वही मैं बोल रहा हूँ। ये हाई कमांड और साथियों के प्रेशर में मुझे मिनिस्टर बनना पड़ा, लेकिन तुम्हारे जैसे पुलिस वालों को मैं कैसे भूल सकता हूँ? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें यहाँ पे बधाई देने आया हूँ। मेरे दोस्त और पूर्व होम मिनिस्टर नादेशन सर के कातिलों को पकड़ने के सिलसिले में आप बहुत आगे तक गए हो, ऐसा डीजीपी ने बताया है मुझे। पता चलते ही हॉस्पिटल के निकल पड़े थे, तो मैंने बताया कि डिस्चार्ज होकर अभी घर पे ही आएंगे। वो हैप्पी न्यूज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा सर। ये चीज मिनिस्टर खुद ही बताएंगे बोला मुझे। रकेल के साथ पेट्रोल मिक्स किया हुआ ऑटो तुमने बोला था तो मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन मुझे अभी पता चला कि आई अंडरस्टैंड, यू आर वेरी वायलेंट, इंटेलिजेंट बोल रहे हैं। अहो क्या? हाँ भाई, तो वो ऑटो रिक्शा मिल गया? मिल गया है सर, आज सुबह, और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। उससे सवाल पूछे? किया है सर, और ऑटो में आया जो उसे पहचान भी लिया है। कौन है वो? सर आपको जिस पे शक था। अभी जितना जल्दी हो सके मुजरिम को अरेस्ट करो। मैं मंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले ये केस सुलझाने के लिए ये एक टेस्टिफिकेशन है। मेरी तरफ से एक प्रमोशन कमिश्नर करता को। सर करता सर के साथ इन्वेस्टिगेशन में मैं पूरी तरीके से था। तुमको भी मिलेगा प्रमोशन। थैंक यू सर। हमेशा ऐसे सिर्फ सीआई बन के रहोगे? एक एसी ही तो बन जाओ। आहू, बोर्ड निकालो रे, अब गाड़ी निकालो। तुम अगर एएसआई बन जाओगे तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा सर्टिफिकेशन होगा। सर मुझ पे विश्वास कीजिए सर, मैंने आपको सब कुछ सच बताया। ओके, तो नंदिनी तुम्हारा कहना है कि तुम मिनिस्टर के बंगलो पे नहीं गई, ना ही उनसे मिली और ना ही उनके मर्डर से तुम्हारा कोई वास्ता है? नहीं सर। विघ्नेश्वर सर, भार्गव उसे लेके आओ। इसको जानती हो? तो इसको जानता है? हाँ जानता हूँ सर। कैसे? हम भी पेपर टीवी सब देखने वाले लोग हैं। नरेशन सर के खिलाफ केस इन्होंने ही किया था ना?
उस दिन तुम्हारे ऑटो में यही वहाँ पे आई थी है ना? जी हाँ सर, मैंने अपनी आंखों से देखा सर, यही थी। अब तुम जाओ। नंदिनी, अब तुम क्या कहना चाहती हो? सीधे सीधे सच बताओ वरना इस दुर्गा से पिटवाऊंगा। ये 98 किलो की वजन वाली है। अरे ये सब बातें छोड़ो भी, उनसे गलती से एक झूठ निकल गया। इंसान हमेशा सच बोल सकता है क्या? बताओ नंदिनी, मिनिस्टर के खिलाफ दिए हुए केस में तुम्हारी कॉलेज में मिनिस्टर के खिलाफ वो जो बेइज्जत करने वाला भाषण दिया गया था, तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो तुम्हारा बेटा मार देगा ये डर, ऐसे एक मानसिक अवस्था में हर कोई मुजरिम बन सकता है। दैट इज क्वाइट नेचुरल, है ना नंदिनी? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। तुम मेरे साथ क्यों गई थी? जिस दिन हादसा हुआ उस दिन सवा सात को सिटी हॉस्पिटल से तुमने मिनिस्टर के सेल पे कॉल किया था। मत करो नंदिनी, झूठ बोलकर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगी, इसलिए सोचो मत। तुमने मिनिस्टर को क्यों कॉल किया था बताओ? और कोई रास्ता नहीं था। मैं एक रास्ता बताता हूँ, बोल रहा हूँ थोड़ा इज्जत का सवाल इसलिए करो, लेकिन अभी इस मौके पे मैंने बहुत सोचा पर कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जितनी खबर मुझे मिली है उससे यही पता चला है कि रमेश अभी पुलिस की कस्टडी में है। उन लोगों के कुछ गलत करने से पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। तुम सब छोड़कर वो नादेश मिनिस्टर को कॉल करो, और कुछ सोचने का वक्त नहीं है। कुछ भी करके रमेश को बचाना जरूरी है। अभी वो उस आदमी के दम पर ही होगा। तुम कॉल करो तो उसे। मैंने किया कॉल, उसने कहा कि मेरा बेटा उसकी पर्सनल कस्टडी में है, और उसने कहा गेस्ट हाउस आओगे तो उसे बिना मारे छोड़ देंगे। तो इसीलिए तुम वहां पे गई है ना? उसके पहले वहां कभी गई हो? नहीं, लेकिन मुझे जगह पता थी। तुम जिस समय वहां पर पहुंची तो आगे का गेट बंद था ना? तो ऑटो वाले ने तुम्हें पीछे का दरवाजा दिखाया। जी हाँ। जब वहां पहुंची तो तुम्हें पता चला कि वो तुमको पाने के लिए एक ट्रैप बनाया हुआ था। शराब के नशे में वो मिनिस्टर तुम्हें छूना चाहता था। इसी कशमकश में वो फिसल कर गिर गए। तुमने मौके का फायदा उठाकर अपने बैग में से चाकू निकाला और मिनिस्टर को मार दिया तुमने, है ना? नो, नहीं, मैंने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? मुझे नहीं पता सर। जब मैं वहां पहुंची मिनिस्टर खून में तड़प रहा था। इसका मैं कैसे भरोसा करूं बताओ? भगवान की कसम सर, मैं सच बोल रही हूँ। गेस्ट हाउस नहीं गई पर घर पे रहने वाली नंदिनी अब धीरे धीरे तड़प रहे मिनिस्टर तक पहुंची गई। तुम मना नहीं कर सकोगी ऐसे में सबूत पेश करने वाला हूँ। इससे अच्छा कि तुम खुद ही बता दो कि आखिर सच क्या है। अभी के लिए जाओ। ये तो बड़ी झूठी निकली सर। सर आप एक परमिशन दो, मारा तो इसी ने है। और मर्डर वेपन कहाँ छुपा है ये सब अभी के अभी उगलवाता हूँ, देखना सर सब सच बता देगी। इनको अरेस्ट करो सर। सिर्फ एक जन को अरेस्ट करूंगा तो ये इस केस का रास्ता भटक सकता है, समझे? क्या मतलब सर? अरे सर, इनको अरेस्ट करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाइन करेंगे ऐसा सोचा था। बगल में पड़े मुजरिम के ढिंडोरे से ज्यादा शहर में चल रहे मेले की पड़ी है हमारे कमिश्नर को। वो लड़कियां कैसे बोले तो सेंटीमेंट जागता है। हाँ। सर आप 100 साल जिएंगे? 100 साल की क्या जरूरत है मिस्टर एलेक्स, 100 साल गधा बन के रहने से अच्छा है 6 साल शेर बन के रहूं मैं, समझे एलेक्स? सर अभी आप आएंगे ऐसे बोल के आईजी ने जस्ट पानी पिया। वो कितना पानी पीते हैं जरा मैं भी तो देखूं। और प्रॉब्लम्स क्रिएट किया तो होम मिनिस्टर के पार्टी वाले हैं, देखो मत सबको धो डालो। लेकिन ऐसे बोलोगे तो पब्लिक के चीजों को तोड़ने वालों को ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं। अरे तुम तो बच गए। तुम्हें नरेशन सर के मर्डर केस से हटाकर उस केस को किसी दूसरे आदमी को देने को बोला है। सर तुम सही तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए और तुम किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इन्वेस्टिगेशन की लाइन चेंज करके तुम मुजरिम को बचाने की कोशिश कर रहे हो ऐसा बोला गया है। कौन बोला? किसी ने तो डीजीपी के कान भरे हैं। ये गलत इल्जाम है सर, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। वो सब अभी बोल के कोई फायदा नहीं, अभी तक के सारे रिपोर्ट्स डीवाईएसपी एलेक्स पॉल को सौंपने के लिए कहा गया है। लो एलेक्स पॉल। सर हाँ। मैंने बताया था ना डिपार्टमेंट की सारी कहानी। सर आपकी ईमानदारी का एक पैसे की भी वैल्यू नहीं है। सर आपका ये हाल है तो मेरा क्या होगा आप सोचिए। रिजाइन करके सोच रहा हूँ कुछ चने बेचने चला जाऊँ। चना बेचना उतना कुछ खास बिजनेस नहीं है। सर वो बात नहीं है सर, सर आपके अंडर के ऑफिसर को आपका ही केस सौंपना मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हमारे जॉब के हिसाब से हमें इतने जल्दी डिस्परेट नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट को दिखाने के लिए मैंने ये केस बिल्कुल नहीं लिया।
जो भी हो मैं इस केस से नहीं हटने वाला, ऑफिशियली नहीं लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन चालू रहेगा, तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। इतने दिन से बिना किसी की नजर में आए रमेश तुम इस तरह यहाँ छुपे हो, मुझे अब सोच के डर लग रहा है। नसीब से बचे हुए हैं, अब इस गेम को और आगे नहीं खेल सकती। तो अब मैं क्या करूँ? नागिर कॉइल में दादाजी का एक ईस्टेट बंगलो खाली पड़ा है, उधर पहुँच जाओगे तो वहाँ से कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। कुछ ना कुछ तो झूठ बोल के कल दादाजी से उनकी चाबी लेनी पड़ेगी। तो जूली? उसको यही रहने दो, पुलिस वालों को भी शक नहीं होगा फिर। लेकिन माँ के बिना? उसका सब जुगाड़ अपन कर लेगी, ये लीडर केआर की पोती है बेटे। ये सब मैंने आज तक किसी के लिए नहीं किया, ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने रमेश के लिए कर रही हूँ। बार बार आके हम सबको परेशान क्यों करते हो? ये लेडीज हॉस्टल है। हट जाओ सामने से। मिनिस्टर के कातिल को लेखा ने अपने कमरे में छुपा के रखा है, यहीं से कॉल आया। यहाँ से आया था? ए, हटो, हटो। अरे आप लोग बात को समझिए जरा, ये सब क्या हो रहा है? कम ऑन सर्च। सर वहाँ देखो। जी सर। कुछ मिला? तो नहीं, जल्दी जल्दी देखो, हर जगह ढूंढो। सर यहाँ तो कोई नहीं है। कम ऑन। जी क्या हुआ, इस समय कॉल किया? हाँ? कब? हे ईशो, आपने बचा लिया। देखो तुम जहाँ पर हो वहीं पर रहना। हाँ ओके। अरे क्या हुआ, क्या हुआ बताओ तो। वो रमेश की माँ नंदिनी सुसाइड अटेम्प्ट किया है। हे भगवान, फिर क्या हुआ? सही समय पे कादर की बेटी ने देख लिया इसलिए बच गई। बेटे से नहीं मिली तो मर जाऊंगी ऐसा मत से बोला था। हे ईशो, उनकी आत्मा को भी मुझे जवाब देना पड़ेगा। कौन आया होगा इतनी रात को? क्या क्या हुआ बच्चों? ईशु ये मैं क्या देख रहा हूँ? कोई देख लेगा। अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, जल्दी आओ। ईशु क्या करूँ? ये तुमको कहाँ पर मिला? सर वो रमेश हमेशा से हमारे कमरे में था। कब से? मिनिस्टर को कॉलेज में मारा था उस दिन से। मेरी पास को ये बात पता है? मैरी मैडम को कुछ नहीं पता। और बाकी बच्चों को? हमारे फ्रेंड्स में एक दो लोगों को पता है। पुलिस के आने के बाद बाकी सब लोग तो डर के मारे हमारे रूम के आसपास भी नहीं भटकते। तुम लोगों को मैं मान गया। मुझे मेरी माँ से मिलना है। तेरा वहाँ जाना रिस्क है, सुबह होने दो। मैं वहाँ जाके बोलता हूँ, नंदिनी को यहाँ बुलाते हैं। माँ से मिलने के बाद कल कोर्ट में सरेंडर होना ही सही है। हेलो, क्या सही में? माय गॉड, तुम लोगों को ढूंढते हुए पुलिस अभी हॉस्टल पहुंची थी। हे, काम डाउन। क्या हुआ जूली, क्या हो गया? कुछ नहीं फादर, मैं इसे लेकर दादाजी के घर चली जाऊंगी। भगवान हमारा भला करे फादर। अबे जा यहाँ से, वैसे ही सब डूबा हुआ है। रमेश यहाँ है, जब बताया तो नंदिनी फूट फूट के रोने लगी। तो कार में बिठा के यहीं ले आते ना। अरे वो रिस्क है,
पुलिस वाले हमेशा वहीं कहीं होते हैं। उसी दिन नंदिनी मुझसे कॉलेज मिलने आई तो वो कमिश्नर आ गया था, देखा था ना। हाँ, रमेश कहाँ है? उसने नाश्ता किया? कितना भी बोलूं नहीं सुनता, अपनी माँ से मिलने को तरस रहा है। रमेश, तू यहाँ आके खड़ा है? अरे कुछ खा क्यों नहीं रहा? माँ के आने के बाद खाते हैं। फिर ठीक है, नंदिनी के आने के बाद ही खाते हैं। हाँ, वो देखो आ गई, जाओ। अच्छा, तू यहाँ छुपा था? चल तेरी खातिरदारी करता हूँ। अरे छोड़ो उसे, मारो, क्यों मार रहे हो उसे? बड़ रखो अपने यहाँ पे छुपा के हमारे सामने पवित्र बनते जा रहे हो। नहीं सर, यीशु कसम हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये लड़का कल रात को यहाँ आया था। ऐसे आने के लिए ये क्या चूहा है क्या? ये सच बोल रही है सर। नहीं नहीं, और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम जो बोल रहे हो वो आंख बंद करके भरोसा करने के लिए मैं करता नहीं। DYSP एलेक्स पॉल हूँ, एलेक्स पॉल। ऊपर वाले की कसम सर, इसको एक बार इसकी माँ से मिला के कल कोर्ट में ले जाने वाला था। अरे बाहर का इसको पकड़ के ले चलो, चलो फादर सर। अंदर चलो तुम भी। मेरा फादर हूँ, चल अंदर डालो इसको, डालो इसको अंदर। कल चर्च में मुझे प्रेयर बोला है सर। मुजरिम को अपने घर में छुपा के रखता है। अबे तू भी चल अंदर, कहने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ कोर्ट में बोला। चलो अंदर, पीछे हटो, पीछे हटो। हेलो, हे भगवान, कब? नहीं, दादाजी तो यहाँ नहीं है। कौन था? लूसी मदर थी। रमेश और फादर को पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये सब मेरी वजह से हुआ है लेका। अरे सर, अरे सर, बात तो मानो। अरे सर छोड़ दो, उसे बात तो मानो। अरे सर उसको मत मारो सर। अरे सर छोड़ दो उसे। सीधे सीधे सच बताओ, वरना तुम्हारा लाश भी बाहर नहीं जाने देंगे। बोल रास्कर। अरे सर मत मारो उसे, अरे छोड़ दो, बात तो मानो। तो तुम दूसरे जात वाले हो? जाट वाट सब स्टेशन के बाहर। सर इनको रिहा करने के लिए बड़े फादर और वकील जी आए हैं। तो जा। नहीं, मुझे अकेले को नहीं रिहा होना है फादर। लेकिन ये नहीं रिहा होने वाला है। फादर आप जाओ, मुझे बस मेरी माँ से एक बार मिला दो। बेटे रमेश, अबे जा यहाँ से। सर सर उसे कुछ मत करो सर। तुझे माँ से मिलना है ना? तुम्हारी माँ हमारी ही कस्टडी में है, अभी आएगी। लेकिन उससे पहले जिस चाकू से तूने मंत्री का खून किया है वो चाकू कहाँ है पहले ये बता। वो चाकू कहाँ है? चल बता, चल बता, चल बता, सच बता, फिर तुझे माँ से मिलाता हूँ। बोल बे रास्कल, अकेले ही मारा या तेरी माँ भी थी तेरे साथ? माँ, बेटा, मेरा बेटा, मेरे बेटे को छोड़ो। सर मेरे बेटे को छोड़ो। सब सच बताओ, माँ बेटे ने कैसे मिलकर मंत्री को मारा? सर उसने कुछ भी नहीं किया, उसे कुछ मत करो। ए, मेरी माँ पे हाथ मत उठा। हाथ लगाऊंगा तो क्या करेगा तू? बेटा माँ, भाई की बात सुनकर
मैंने मिनिस्टर को फोन किया, तब मेरा बेटा गेस्ट हाउस में था इसलिए मैं वहां गई, लेकिन मैंने अकेले ही उसे मारा है। हाँ, मैंने ही मारा। नहीं, माँ मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रही है। बेटा, मैंने ही उसको मारा है, अपने ही नहीं हाथों से मारा है। मैंने मारा है उसे। ओहो, माँ बेटे दोनों मिलकर ज्यादा नाटक मत करो। बता, मिनिस्टर को तूने कैसे मारा? उस रात को माँ से मिलने मैं हॉस्पिटल गया था। मैं गेस्ट हाउस में हूँ ये सोचकर माँ वहां पर गई है, ऐसा कादर मामू ने बोला। वो एक धोखा है ये समझकर मैं भी गेस्ट हाउस गया। जिसको मैं ढूंढ रहा था वो तो खुद ही आ गया। यही है नरेशन का सौभाग्य, मेरी जरूरत के हिसाब से खुद मेरे पास आते हैं। मेरी माँ कहाँ पर है? तू फिक्र मत कर, वो मेरे साथ ही रहने वाली है, देखना है तुझे। साले, ऐसे सीधे बताना, अभी समझा। तुम लोग देख रहे हो ना, रियान करता नहीं हूँ, एलेक्स पॉल हूँ। मम्मी, ये ले, ये भी पी। मैं नहीं पीऊंगा सर। ऐसे नहीं चलेगा, अभी तो और भी मार खानी बाकी है ना। ये बॉडी के सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी है, तो जल्दी से जल्दी पी ले। मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन वापस चाहिए उसको, ऐसा बोल के मुझे यहाँ ले आए। और सवाल करने हैं तो ये बोलूंगा तो तू आएगा। मेरे हाथ से भी चार्ज चला गया तो तुमको पुलिस स्टेशन ले जाके कोई फायदा नहीं है, इसीलिए तुमको यहाँ पे ले आया मैं। इधर है इसलिए, कितना अच्छा ना, तुझे मार सकता हूँ, दूर दूर तक कोई घर नहीं है, कोई नहीं सुनेगा, माइक से चिल्लाएगा तो भी कोई नहीं सुन पाएगा, समझा। ये पी, ये पी। अब सब बता दे मुझे। मुझे कुछ नहीं पता है सर। हे भगवान, सर ये लोग अपना इन्वेस्टिगेशन सही बताया था ना, उसका सबूत है ये। अपना इन्वेस्टिगेशन मत भूलिए सर, आपके साथ हूँ मैं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो सर।
मुझे सब पता है, शक्ल से तुम पूरी तरह मिनिस्टर नादेशन के भाई लगते हो। दिनेश लंदन एमएनसी के मेंबर। जी हाँ, इस केस में काम आने वाला एक सबूत मैं गांव से लेकर आया हूँ, खासकर आपके लिए। एकदम सही समय पर मैं दिनेश से मिला सर। क्या हुआ सर? इस इन्वेस्टिगेशन में मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, कम ऑन। दासप्पा, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती उनकी आत्माएं ऐसे ही भटकती रहती हैं। भटक भटक के मेरी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, इसलिए मुझे तेरा खून चाहिए। मेरे प्रिय नादेशन सर, मुझे कुछ मत करिए। वो कैसा न्याय हुआ दासप्पा? सब हरकतों में मेरे साथ में था ना तू? खुद के आदमी के जैसे तुझे अपने साथ में रखा मैंने, और तूने मुझे नहीं, तू जिंदा रहने के लायक नहीं, हम साथ में जाएंगे। मुझे छोड़ दीजिए सर। मुझे छोड़ दीजिए सर, माफ कर दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। आज की ताजा खबर, पूर्व होम मिनिस्टर नादेशन के मौत के लिए अरेस्ट हुए एसएमई कॉलेज स्टूडेंट रमेश ने गुनाह कबूल किया है और मुजरिम को 2 बजे के बाद कोर्ट में आगे की कार्रवाई के लिए पेश किया जाएगा। एसएमई कॉलेज स्टूडेंट्स और स्पेस के लोग स्टेशन के बाहर जमा हुए हैं। माहौल काफी बिगड़ा हुआ है, सभी लोग इसके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। मुजरिम से जानकारी निकालने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ी, आपके पार्टी वाले थे इसलिए कुछ बोला नहीं, मारा नहीं सर। वो तो अच्छा ही हुआ, मैं अभी सॉल्व करके देता हूँ। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, वो भौंपू ले क्या? सर वो क्या है ना कि कभी भी किसी पार्टी वाले से जोर से बात करना पड़ सकता है, इसलिए सभी सेटअप के साथ आया हूँ। मेरे प्यारे पार्टी के लोगों, मैं मंत्री होने के नाते आपको वचन देता हूँ कि कुर्सी पे बैठ के उठने से पहले ही मैं आप सबके सामने नादेशन सर के कातिल को पकड़ लूंगा, तब आपको मुझ पे मिनिस्टर साहब जिंदाबाद, 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 मिनिस्टर साहब जिंदाबाद, 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 मिनिस्टर साहब जिंदाबाद, 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 मिनिस्टर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शांति बनाकर आप लोग कॉम्प्रोमाइज करो, हमारी पार्टी का हक है कॉम्प्रोमाइजिंग। मुजरिम को कोर्ट ले जाने की व्यवस्था करें, मैं मुजरिम से मिलके आता हूँ, तब तक आप सब शांति रखें। कितना भी मन में गुस्सा हो पर किसी को मारना नहीं चाहिए। आखिर तुमने ये सब क्यों किया बेटा? कोर्ट ले जाने का टाइम हो गया सर। कोई बात नहीं, ले जाओ, पार्टी वाले कोई लफड़ा नहीं करेंगे, मैंने माइक से अनाउंस किया था ना। हथकड़ी लगाना बंद करो। डीजीपी के आने के बाद ही कोर्ट ले जा सकते हो, ऐसा ऑर्डर है। सर आप ये क्या बोल रहे हो, इधर का प्रॉब्लम आपको पता नहीं है, इन दोनों को पार्टी वाले मारने के लिए खड़े हैं बाहर, किसी तरह उनको समझा के रखा है मिनिस्टर सर। केस कभी लोगों के भावनाओं के आधार पर नहीं सॉल्व होते। नहीं, इस केस में सर आपको क्या करना है? क्यों, इससे तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? डीजीपी को आने दो सर, उसकी क्या जरूरत, केस मैंने सॉल्व किया है, मुजरिम गुनाह कबूल किया। ये खून रमेश ने बिल्कुल नहीं किया है, अपनी माँ को बचाने के लिए उसने ऐसा बोला होगा।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब मुझे मिली थी तभी मुझे शक होने लगा था, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार मिनिस्टर की पूरी बॉडी पर एक भी ऐसी क्रॉस नहीं मिली। एक रची रचे साजिश थी मर्डर की, सब कुछ उसमें साफ साफ दिख रहा था, प्रोफेशनल टच। डीजीपी आ गए सर। थोड़ा आने में लेट हो गया। एनीवे द केस इज सॉल्व, थैंक्स। दिनेश तुम कब आए? आज सुबह ही। कुछ इंटरफेयर के चलते इस केस से हटाए जाने के बाद भी कमिश्नर कर्ता ने इन्वेस्टिगेशन चालू रखी। मिनिस्टर के कुक अरुमुगन का बयान लेने पर मुझे गेस्ट हाउस के सामने वाले टपरी में मैंने पूछताछ की तो पता चला कि अरुमुगन ने गलती से वो पुलिस जीप समझी, लेकिन वो एक ब्लू कलर की क्वाली सेन थी। लेकिन मुझे वहां से एक महत्वपूर्ण सबूत मिला, ब्लड स्टेन वाला एक पेपर। सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा नहीं था, वो किसी की महत्वपूर्ण जानकारी वाला एक पीस ऑफ एविडेंस था। मुजरिम अभी हमारी कस्टडी में है, सिर्फ और सिर्फ 2 MLA वाली एक पार्टी, कोई भी आ जाए लेकिन इनमें से ही एक मंत्री होगा। पिछले 20 साल से ये सब तो चलता रहे। कॉलेज में मिनिस्टर के साथ बुरी तरह मारपीट करने के बाद शाम को मंत्री के घर में एक बात छुड़ी थी। अरे भाई तुम इतना बेवकूफ हो, मैंने सोचा नहीं। अब कुछ और रहेगा तो बताओ मुझे। प्लीज सर, मेरी इज्जत का सवाल है। मुझे मंत्री पद पर बैठते हुए देखने के लिए मेरे बीवी बच्चे सब बैठते हुए देखना चाहते हैं। प्लीज सर मान जाइए। अरे मुझसे पूछ कर बुलाया क्या उनको? सर आपने बोला था ना, केस जीतने के बाद आप अपनी इच्छा से इस्तीफा देंगे और मुझे मंत्री बनाएंगे। अगर मैं ऐसा बोलूं तो भी तुमने भरोसा क्यों किया? अरे दासप्पा, मेरे 3 वीकनेस कौन कौन से हैं? तुझे भी तो बात पता है ना, पैसा नहीं तो ताकत नहीं, ताकत नहीं तो कन्या नहीं। हाँ हाँ मंत्री बोल रहा हूँ। अभी तो बुलाने का मन किया ना, तुम डरो मत नंदिनी। देखो रमेश को पुलिस ने नहीं मारा है, वो मेरी कस्टडी में मेरे पर्सनल गेस्ट हाउस में है। ए, मुझे ऐसी जिद होती तो अभी उसकी लाश भी इस धरती के ऊपर नहीं होती। लेकिन मुझे एक जिद है कि तू मेरे पैरों पे गिर के माफी मांगे। ये केस से कोई वास्ता नहीं है, ये कहानी सब बोल के क्यों वक्त पर बात कर रहे हो? वास्ता है राजशेखरन। हे भगवान, दसप्पा मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अरे सर आप मुझे माफ कर दीजिए। दसप्पा ये करने का तुझे कैसे मन किया? ये नहीं सर, कातिल कोई और है। तो और कौन? एक यात्रा के नाम पे इन्होंने एक पापा जिन से क्वालिस की गाड़ी उधार ली और उसके बाद मुजरिम गेस्ट हाउस पहुंचा, फिर पीछे के दरवाजे से चुपके से अंदर गया। तुम? अरे इस समय तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कहा? वो भी आएगी, तुम जाओ जाओ जाओ। अरे तुम पीछे से क्यों आए? वो गेट आगे से बंद है सर। छे, अरे वो आके वापस चली गई होगी, ये वेला इधर कहाँ चला गया? एक बात बोलकर मैं तुरंत चला जाऊंगा। जो भी हो आप मुझे मिनिस्टर नहीं बनाओगे। तो दिमाग है तुम्हारे अंदर? जब आप कैलाश के केस में फंस गए थे, कैलाश चंदन के केस से बचने के लिए मेरी वजह से मिले 10 करोड़ रुपए और जितने भी मेरे नाम पे बैंक में हैं, उन सब की अकाउंट की डिटेल और बुक पेपर सब मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। बुक पेपर सब देने के लिए ये कोई EMI थोड़ी है, सुस है, सुस बैंक। हाँ हाँ मैं भी वही बोल रहा हूँ। उस समय तू सिर्फ केवल एक नॉमिनी है, मेरे मरने के बाद ही तुझे वो मिलेगा। और फिर तुझे नॉमिनी क्यों बनाया पता है? क्योंकि तेरे मरने के बाद ही मैं मरूंगा। तुम मुझे धोखा दे रहे थे ना? धोखा? कौन सा धोखा? लकड़ी के नाव से तुझे इलेक्शन में खड़ा करके यहाँ तक लेके आया, ये धोखा है? बहुत सारा पैसा और मूनर में एक चेट दिलाया। वो सब धोखा है। अब एक काम कर, तू जा यहाँ से, मेरा मूड खराब मत कर, जा जा जल्दी से। अरे मुझे बहुत काम है, जाना। तेरे मरने के बाद ही मैं मंत्री बनूंगा, इसीलिए मैंने तुमको मार दिया। आपने मार दिया। सर, सर आपने क्या किया? आपने इन्हें मार दिया सर। तुम चुप रहो। अब यहाँ का मिनिस्टर मैं हूँ, तुम अगर मेरे साथ रहोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा, किसी और को बताया तो।
ये वही होगी नंदनी, भागो। ये है पीछे वाला गेट, जाओ जाओ। चलो सर रुको, सर सर शर्ट उतारो, जाते वक्त जलाएंगे। अब क्या बोलना चाहोगे हरी सर? अबे ओए, ये कुछ भी बकवास किया जा रहा है और ये तुम सुनकर यकीन भी कर लिए और मुझे फंसाना चाहते हो? बकवास नहीं, आई हैव सॉलिड एविडेंस। विघ्नेश्वर सर, मटेरियल ऑब्जेक्ट नंबर वन जिससे मर्डर हुआ वो चाकू, नंबर टू जिस शर्ट पर खून लगा हुआ था उसका जलाया हुआ टुकड़ा, नंबर थ्री मिनिस्टर हरी के मुंह का खून पहुंचने के लिए दसप्पन ने जो कपड़ा लिया था उससे पहुंचा हुआ कार्ड ब्लड स्टेन वाला, नंबर फोर अपनी गलती छुपाने के लिए इन्होंने जो विटनेस को दिया था ये वही डॉक्यूमेंट है। मुनर का 50 एकड़ का जमीन, भाई के मौत के बाद तीसरे दिन दसप्पन के नाम किया हुआ डॉक्यूमेंट। क्या अब भी तुम कहोगे कि ये मर्डर तुमने नहीं किया है? दासपन को बचाने के लिए तुमने गुंडे भेजे ना, मेरा लक्ष्य और आसान हो गया। जो भी हो, गरीबी के दिन से इस अच्छी जगह पे लाकर खड़ा किया था मेरे भाई ने, मेरे भाई को मारा क्यों? एनीहाउ, आज एक निर्दोष को फांसी चढ़ने से बचा लिया, कांग्रेचुलेशन करता। थैंक यू सर। ऐसे अनपढ़ और गंवार लोग पॉलिटिक्स में आकर हमारे देश को खोखला कर रहे हैं सर, यही लोग देश के असली दुश्मन है, इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। We have order from Chief Minister. You are under arrest. मेरे बेटे। माय स्टूडेंट्स, बहुत बड़े बेशर्मी से हमारे कॉलेज को करतार सर ने भगवान की कृपा से बचाया है। आप तो बहुत बड़े हो, भले ही दिखने में थोड़े छोटे हो। भले ही आप लोगों को दिखने में मैं चाहे कितना भी छोटा क्यों ना, मैंने तो सिर्फ ईमानदारी से अपनी ड्यूटी की है। कैसे भी करके रमेश मर्डर केस से तो बच गया, लेकिन रमेश को दूसरे केस से कैसे बचाओगे? बस वही सोच के मैं परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि वन कॉम्प्लिकेटेड ट्रायंगल लव अफेयर केस है। IPC की कोई धारा ढूंढोगे तो वो भी इन लोगों के लिए कोई असरदार नहीं। सर आप हमारे बारे में बोल रहे हैं, वो केस तो सॉल्व हो गया। आई डोंट गेट इट। हमने साथ में मिलकर एक फैसला किया है सर। क्या फैसला? जब लव बीच में आया तो हमारी फ्रेंडशिप खराब हुई सर। प्यार से कहीं ज्यादा जरूरी है हमारी दोस्ती, और इसीलिए आज से हम लोग एक अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। अच्छा तो तुम अभी फ्री हो गई तो तुम किसी को भी बीएफ बना सकती हो। आखिर तू इंटेलिजेंट, आजीवन बैचलर रहते हैं। और मैं भी काफी सुंदर हूं तो मुझे भी बीएफ बना सकती हो।